वेलकम गाइस एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम शाहिद एंड वेलकम वामशी. कैन यू हियर मी एंड कैन सी माय स्क्रीन गाइस? कुड यू प्लीज रिप्लाई? वामशी सेज यस. ओके वामशी. शाहिद सेज यस. ओके शाहिद. तो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसईओ का पार्ट वन को कवर किया था, जो जस्ट एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि एसईओ का प्रोसेस क्या होता है. तो हम लोगों ने तीन प्रोसेस को समझा था एसईओ में, ठीक है. और आज की जो क्लास होने वाली है कंप्लीट प्रैक्टिकल क्लास होगी एसईओ पे, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि एसईओ का पहला जो एसईओ होता है वो ऑन पेज एसईओ वो करते कैसे है, ठीक है. जो पिछले क्लास में मैंने बताया था वो आपको एसईओ की डिटेल मैंने दी थी कि एसईओ होता क्या है और उसे करेंगे कैसे, ठीक है. और अब हम लोग आज के क्लास में जा रहे हैं कि एसईओ करते कैसे हैं. तो बेसिकली एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ. एसईओ करने के लिए आपके पास तीन स्टेप्स होने चाहिए. सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है कीवर्ड रिसर्च का, आपको कीवर्ड रिसर्च करना है. दूसरा स्टेप जो आता है वो एसईओ का पार्ट वन, जो कि ऑन पेज एसईओ होता है. और थर्ड और लास्ट स्टेप जो है वो एसईओ का सेकेंड स्टेप, जिसको कि हम लोग ऑफ पेज एसईओ या लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों ने एसईओ का पार्ट वन जो लास्ट वीडियो था थ्योरी क्लास का, वो आप लोगों ने सभी को ही वॉच किया होगा. प्लीज लेट मी नो शाहिद एंड मैम सी. वामशी सेज यस. ओके वामशी. शाहिद सेज यस. ओके शाहिद. तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं गूगल एडवर्ड और कीवर्ड प्लानर टूल के हेल्प से. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो. शाहिद सेज यस. ओके शाहिद. वामशी सेज यस. ओके. तो गाइज, जब आप कीवर्ड को रिसर्च कर लेंगे, तो मैंने एक एक्सेल सीट आप लोगों के सभी के मेल पे दिया था, जो कि कीवर्ड रिसर्च सीट था, एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट का कुछ इस तरह का सीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था आपके मेल आईडी पे, ठीक है. तो जब भी आप गूगल एडवर्ड्स के कीवर्ड प्लानर टूल को जब भी आप यूज करेंगे, उसमें से जो भी कीवर्ड्स आपको रेलेवेंट कीवर्ड मिले आपके वेबसाइट्स के लिए, उसकी एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है. और कीवर्ड फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बताया था, कीवर्ड प्लानर टूल में जाके आप वहां पे सर्च करते हैं ग्लोबल और अपना जो भी स्पेसिफिक अगर सर्च करना चाहते हैं, मतलब इंडिया लोकेशन देखे या ग्लोबल लोकेशन देखे, तो आप उसे टारगेट वाइज भी चूज सेलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड. और दूसरा जो स्टेप्स है उसमें मैंने बताया था आपको कि और भी कुछ भी और भी दो चार टूल्स है जिसके हेल्प से आप रिसर्च करते हो, बट सबसे बेस्ट टूल है वो आपका कीवर्ड प्लानर टूल है, ठीक है. और आपको एक चीज ये भी बता देता हूँ, कीवर्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेब पेज बनाना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी अपने वेबसाइट के वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन कर रखा है, ठीक है. आप भी अपने वेबसाइट में लॉगिन कर लीजिए अगर आपको लाइव प्रैक्टिकल करनी है. तो मैं एक बार दोबारा से आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ. मैंने अपनी वेबसाइट का नेम जो कि akashdigitalmarketer.com है एंड उसके आगे / wp-admin लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, तो हमारा ये डैशबोर्ड खुल जाता है, ठीक है. तो आप भी इस तरह से लॉग इन कर लीजिए अपनी वेबसाइट का, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की लॉग इन डिटेल्स डाल के, ठीक है. और इसमें आप देखिएगा, जैसे कि हम लोग ऑल पेजेस के सेक्शन में आता है, ये नेविगेशन टैब है ये लेफ्ट हैंड साइड में, और ये देखिए हमारा पेज का सेक्शन खुलता है यहाँ पे, ठीक है. और अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पर जाएं, डेट इज akashdigitalmarketer.com, तो आप यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट पेज लगे हुए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, इसको हम लोग मेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है. और हर एक मेन्यू के अंदर एक पेज होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ अबाउट का सेक्शन है, डिजिटल मार्केटिंग का सेक्शन है, तो आप यहाँ पे देखिएगा अबाउट है एंड लर्न डिजिटल मार्केटिंग का सेक्शन है, तो ये पेज का नेम है सारा, ठीक है. तो हम लोगों को जो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो कीवर्ड्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए, तो बेसिकली स्टार्टिंग में हम लोग 5-10 कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस पेज पे आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की पेज पे, ठीक है, ये हमारा एक पेज है. आपको वेबसाइट में कीवर्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कोई एक पेज को सेलेक्ट करना है जो भी आपकी वेबसाइट का मेन पेज हो, ठीक है. एक पेज आप सेलेक्ट कीजिए, उस पेज के लिए सबसे पहले कीवर्ड अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए. दैट मींस कि कीवर्ड को रैंक करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है. कीवर्ड रैंकिंग के लिए आप कोई एक पेज सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर पेज पे जो भी आपने टॉपिक लिखे होंगे या जो भी कंटेंट आपने डाले होंगे
उस कंटेंट के बेसिस पे आप यहाँ पे कीवर्ड को अप्लाई करेंगे, है ना। तो बेसिकली देखिए, हमारा जो इस पेज का मेजर जो कंटेंट है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग। एंड इसके साथ साथ मेरा जो ये वेबसाइट भी है आकाश डिजिटल मार्केटर, ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड वेबसाइट है। तो हमारी वेबसाइट पे जो कीवर्ड्स भी आएंगे वो बेसिकली है कि डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग रिलेटेड ही कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो हमने एक पेज को जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप पहले एक बार कंटेंट लिख लीजिएगा अपनी वेबसाइट पे। कंटेंट लिखने का प्रोसेस ये है कि आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने एंड से जो भी आपको कंटेंट आती है, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी पहले लिख लीजिए, ठीक है, अच्छे से उसको, मतलब आई मीन कि आप पॉइंट पॉइंट्स में लिख लीजिए उसको, फिर अरेंज कर लीजिएगा सीरियल ऑर्डर में। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेंट राइटर्स को भी हायर कर सकते हैं। मैंने बिगनिंग में बताया कि आप लोग अपने से लिखिए, वो ज्यादा सही रहेगा बिगनिंग में। एंड देन जब आपको लगने लगे कि नहीं हो पा रहा, देन आप तब कंटेंट राइटर्स को हायर कीजिए, ठीक है, जो कि आपको फ्रीलांसर्स वगैरह मिल जाएंगे, कम प्राइस में आप लिखवा सकते हैं अपने कंटेंट को। और जब आपकी कंटेंट हो जाए उसके बाद क्या करना है, आपको कीवर्ड अप्लाई करना है। आप साथ साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार कंटेंट सारा लिख लीजिए, उसके बाद आप कीवर्ड्स को अप्लाई कीजिए। कीवर्ड्स आप पहले ही रिसर्च कर लीजिए अपनी वेबसाइट के लिए। एंड जब आपने कंटेंट लिख लिया होगा उसमें आपको उसके बाद कीवर्ड अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो पेज है लर्न डिजिटल मार्केटिंग का, मैं इसे ओपन करूंगा और आप यहाँ पे देखिए मैंने ओपन किया हुआ लर्न डिजिटल मार्केटिंग का टैब, ठीक है। तो बिगिनिंग में आपको 5 से 10 कीवर्ड पर मिनिमम, आप 10 कीवर्ड्स, 10 अच्छे कीवर्ड्स का आप सिलेक्शन कीजिए जिनकी कंपटीशन लो हो, ठीक है। और कीवर्ड्स को अप्लाई करने का प्रोसेस जो है, आपके कंटेंट में सबसे पहले अपने कीवर्ड को हाईलाइट करना है। डैट मीन्स कि आप उसे एक तो बोल्ड कर दीजिए, आप चाहे तो इस कीवर्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे जो आप एमएस ऑफिस या एक्सेल यूज करते हैं उसमें आपको इस तरह का कुछ फीचर्स जो मिलता है, सेम या वर्डप्रेस में भी ये फीचर है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है, इसका कलर को आप चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप इसे हाईलाइट कर दीजिए, थोड़ा रेड में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो कलर आपको ठीक लगे। वैसे रेड कलर जो होता है काफी इफेक्टिव कलर है। गूगल का जो क्रॉलर होगा ना, जब आपकी वेबसाइट पे आएगा क्रॉल करेगा, देन उसे ये समझ में आएगा कि ये जो कीवर्ड को आपने यहाँ पे कलर कर रखा है, दैट मीन्स कि जिसमें आप जिस कीवर्ड को आपने, वर्ड को आपने हाईलाइट कर रखा है, तो वो इसे ये समझेगा कि ये आपकी वेबसाइट का मेन की मतलब कीवर्ड्स है जिसके बेसिस पे आप रैंक कराना चाह रहे हैं गूगल पे, है ना। आप इसे हाईलाइट कर दीजिए एंड यहाँ पे इटैलिक है, इटैलिक कर दीजिए थोड़ा सा। आप चाहे तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये करने से बेनिफिट ये होता है कि आपकी ये कीवर्ड मानी जाएगी, गूगल के क्रॉलर को पता चलेगा कि ये आपने कीवर्ड लगा रखी है, ठीक है। तो जो भी आपके जहां जहां पे भी आपने जो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसे बोल्ड कर देना है, सिंपली इटैलिक कर देना है एंड आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये 3 चीज करना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो कलर भी चेंज कर दीजिए, कलर चेंज करने से भी थोड़ा और ये इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, कि ये रैंक करेगी आपके अच्छी से। तो इस तरह से आपको करना है यहाँ पे। और एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कीवर्ड कभी भी अप्लाई करना है ना, तो पूरे पोस्ट में या पूरे कंटेंट में कीवर्ड्स आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। कभी भी आप कीवर्ड यूज करेंगे तो कोई भी फर्स्ट पैराग्राफ्स में आप कभी भी एक कीवर्ड, दो कीवर्ड को आप यूज कर दीजिए। और हाँ, ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे अपने टाइटल में कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, जो आपकी पेज की नेम है, उससे मिलता जुलता ही कीवर्ड्स वगैरह लगाइए। मतलब कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें, या फिर इसको हम लोग एक तो हेडिंग टैग वन भी बोलते हैं, मैं अभी आऊंगा हेडिंग टैग क्या होता है, ठीक है। और कीवर्ड लगाने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप उसके फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड बिल्कुल लगाइए जो आपके मेन कीवर्ड है उस पर्टिकुलर पेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर पेज के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, वैसे तो ये कीवर्ड मेरे लिए इस पेज के लिए, ये भी कीवर्ड नहीं मैंने लगाया है, ये जस्ट डिजिटल मार्केटिंग का है। यहाँ पे जो कीवर्ड लगेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड, वैसे ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस एंड योर सर्विस टू सर्विस, आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या आपकी सर्विस है, मतलब क्या प्रोडक्ट और सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इस तरह से कीवर्ड लगा हुआ है, इस तरह से आप अपना कीवर्ड लगाइएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, सेकंड लाइन में भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बिगनिंग में भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ के सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, जो भी हो आपका, कोशिश कीजिए कि मतलब 4-5 लाइन, 5-6-7-8 लाइन में अंदर में आपका हो जाए, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप फिर नीचे आएंगे, सबसे नीचे बॉटम में, वहां पे भी आपको वही कीवर्ड को यूज करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सॉरी डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लास्ट मतलब एंड हो रहा है यहाँ पे हमारा सेशन, आई मीन कि यहाँ पे हमारा ये पोस्ट एंड हो रहा है, देन हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स को लगा देंगे। जैसे ये कीवर्ड आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ और बोल्ड है थोड़ा सा, तो इस तरह से करके आप इटैलिक करके इसे लगा दीजिए यहाँ पे भी कीवर्ड्स को, ठीक है, सबसे बॉटम में। अब ये नहीं करना है कि आपको पूरे कंटेंट में कीवर्ड्स लगा देने, दैट मींस कि हर एक पैराग्राफ में हम लोग कुछ ना कुछ कीवर्ड्स को लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका है फर्स्ट पैराग्राफ में और सबसे नीचे बॉटम में आपको कीवर्ड्स लगाने हैं, और जो कीवर्ड्स लगाने का जो प्लेसमेंट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका पेज में हो गया, पेज की जो टाइटल हो गई, जो आपका हेडलाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसमें आएगा आपका कीवर्ड। उसके बाद ये जो आप परमालिंक देख रहे हैं, ये बेसिकली यूआरएल स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे ही कोई इस पे लिंक पे क्लिक करता है तो आप ये देखिए ये इस लिंक पर डिडायरेक्ट होता है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स को अच्छे लगाने, दैट मीन्स कि आपकी जो पेज की यहाँ पे लिंक नेम होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे लगाइए कीवर्ड। और हमेशा मैंने बताया था लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज कीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, इसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। एंड फाइनली आपके पास देखिए ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको हम लोग हेडिंग टैग बोलते हैं। अभी मैं आता हूँ इस पे हेडिंग टैग पे, इसमें भी हमें कीवर्ड को यूज करना है। तो बेसिकली इस तरह से एक पेज पे हम लोग कीवर्ड लगाते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस है हमारा। जैसे कि आपने एक पेज पे लगाया, मान लीजिए हम लोगों ने इस पेज पे 10 कीवर्ड्स को अभी फिलहाल के लिए बिगनिंग में लगा लिए, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड आप दूसरे पेज पे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अबाउट मी का पेज है, तो यहाँ पे अब आपको ये सोच के लगाना है अबाउट मी में तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं डालेंगे ना। अबाउट मी में अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे अपने आपका यहाँ पे कीवर्ड लगाया हुआ, दैट इज आकाश शंकर। अगर कोई गूगल पे आकाश शंकर टाइप करे तो ये मे बी विजिबल होनी चाहिए इस वेबसाइट का अबाउट मी का पेज। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब लोग आकाश शंकर टाइप करेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि ही इज द फाउंडर ऑफ दिस वेबसाइट एंड ऑल, इस तरह से करके आपको डिस्क्रिप्शन या ऑप्टिमाइज करके डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह से ये अबाउट मी के पेज में आपको इस कीवर्ड का इस टाइप का कीवर्ड यूज करना है जो कि जिसमें कि आप अपने बारे में डिस्क्राइब करें, या फिर आप अपनी वेबसाइट के बारे में डिस्क्राइब करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर कीवर्ड से, कि अगर कोई वो कीवर्ड को टाइप करता है इंटरनेट पे, सर्च करता है गूगल पे, तो देन वो आपकी अबाउट मी का पेज खुल के वहां पे उसके सामने आए। उसी तरह से अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड कीवर्ड यूज करता है तो उसके सामने ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ये पेज खुल गया है, ठीक है। तो बेसिकली 10 कीवर्ड से स्टार्ट कीजिए लगाना आप लोग। फर्स्ट पेज फर्स्ट एक कोई एक सिंगल पेज बनाइए और उसमें से 10 बढ़िया कीवर्ड ढूंढ के निकालिए, रिसर्च कीजिए जो मैंने रिसर्च का प्रोसेस बताया है, एंड कीवर्ड लगाना स्टार्ट कीजिए जो मैंने अभी अभी आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, स्टेप होता है हमें कीवर्ड लगाने का। तो यहां तक क्लियर है गाइस, प्लीज लेट मी नो। साहित सेज यस, अमन सेज यस, ओके ओके फाइन गाइस। तो यहाँ पे देखिए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में ये बोल रहा है कि इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट, गुड कीवर्ड सिलेक्शन, दैट मींस गुड अच्छे कीवर्ड्स को आपको ढूंढने हैं, एंड पुटिंग कीवर्ड्स ऑन करेक्ट प्लेसेस। करेक्ट प्लेसेस जैसा कि मैंने बताया कि पूरे कंटेंट में आपको कीवर्ड्स फिल बिल्कुल भी नहीं करने हैं, उन कीवर्ड्स की प्लेसमेंट होती है। तो प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है एक बार दोबारा से हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो देखिए प्लेसमेंट का सबसे पहला जो प्रोसेस है आपकी पेज की जो टाइटल होगी, इसको हम लोग हेडिंग टैग वन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो हेडिंग लिखा हुआ है ना, ये H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, बेसिकली ये हेडिंग टैग होता है। हेडिंग टैग मीन्स आप इसे बोलिए जो आपकी मतलब पेज का जो भी आपका आर्टिकल होगा उसकी जो मेन हेडिंग होगी, इसको हम लोग हेडिंग टैग बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट हेडिंग टैग H1 होता है सबसे पहला, जो कि आप ये देख रहे हैं H1। और एक बात का ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा जब भी आप H1 टैग यूज करेंगे अपने पेज पे तो आपको बेसिकली एक पेज पे एक ही H1 टैग लगाने हैं, दो कभी भी गलती से भी नहीं लगाने हैं, अदरवाइज आपकी SEO खराब होगी। कभी भी गलती से दो H1 टैग नहीं लगाने हैं। ये जो H1 टैग है ना, ये बाय डिफॉल्ट हमारा ये यहाँ पे पेज के टॉप में टाइटल पे आता है हर एक पेज का, ठीक है। तो हर एक पेज पे मतलब हर एक सिंगल पेज पे आपकी H1 टैग 1 होगी। इसके अलावा हमें
जो भी आप नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो टाइटल होगा आपका हेडिंग होगा वो हेडिंग टू, हेडिंग थ्री या हेडिंग फोर से स्टार्ट होगा, जिसमें कि आप इस हेडिंग टू को दो भी चार भी यूज कर सकते हैं, इसको तीन चार पांच कुछ भी यूज कर सकते हैं, चार इसको भी आप चार पांच यूज कर सकते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वो नीचे आए, इसके बाद आप सेकेंड हेडिंग जो देखिएगा ये है, इसकी जो हेडिंग मैंने डाली है फोर डाली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो H1 टैग है इसको आपको सिर्फ सिंगल यूज करना है पर पेज के लिए। और दूसरा जो प्लेसमेंट हो गया आपके कीवर्ड का, फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा कीवर्ड, लास्ट जो स्टेप हो गया वो आपका सबसे नीचे में आएगा बॉटम में, और फाइनली जो भी कीवर्ड्स आपके आएंगे इस हेडिंग टैग में जो मैंने आपको बताया अभी अभी, ये जो हेडिंग टैग है, कोशिश करना है कि जो आप कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं इन सभी हेडिंग टैग के ऊपर आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग, फिर यहाँ पे लर्न द स्किल्स ऑफ मार्केटिंग ऑनलाइन, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अगर कोई मार्केटिंग ऑनलाइन या ऑनलाइन मार्केटिंग टाइप का सर्च करेगा तो ये फाउंड होगा, विजिबल होगा। तो इस तरह से आपको एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लगाने हैं हेडिंग टैग में, फिर इसी तरह से नीचे आएंगे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे एंड चेंज योर लाइफ, इस टाइप का मतलब आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, आपको यहाँ पे कीवर्ड्स लगानी है, जितने आप देख रहे हैं ये एक तरह से कीवर्ड का काम कर रहा है, हु इज आकाश शंकर, हु इज एक्स वाई जेड, जो भी यहाँ पे लगाएंगे ये कीवर्ड का काम करेगा यहाँ पे आपके उस पर्टिकुलर पेज के लिए, ठीक है। हु शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो एक फिर यहाँ पे एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया लर्न डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। तो आप यहाँ पे एक टेस्ट नोटिस कीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग बार बार रिपीट हो रहा है हेडिंग में यहाँ पे एंड इस टाइप के चीज में, मतलब पैराग्राफ में बॉटम में, तो एक ये कीवर्ड हो रहा है यहाँ पे दिखने से लग रहा है हमें। तो गूगल को भी ये समझ में आना चाहिए कि आपने जो ये सब हाईलाइट किया हुआ है ये बेसिकली एक कीवर्ड है आपकी इस पर्टिकुलर पेज का, दैट मींस कि डिजिटल मार्केटिंग पेज का। तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पेज के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करेंगे, और स्टार्ट करना है 10 कीवर्ड से एटलीस्ट, दैट मीन्स कि 10 कीवर्ड्स पर पेज पे होना इम्पोर्टेंट है, और इससे आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब आपकी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होने लगेगी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, आप देखेंगे जब आपने सारे पेजेस पे 10-10 कीवर्ड्स लगा लेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा 15-20 दिन 1 मंथ के अंदर कि आपकी धीरे धीरे जो सर्चेज है वो इंटरनेट पे विजिबल हो रही है, गूगल के सर्च में आ रही है, रिजल्ट में आ रही है। देन जब आने ही स्टार्ट हो जाएगी देन आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स और फाइंड आउट करने हैं एंड और ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट कीवर्ड आपको अपनी वेबसाइट पे लगाते जाने हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो SEO होता है आपका काफी लॉन्ग है, और कीवर्ड रिसर्च जो प्रोसेस है वो काफी अच्छे से प्लान करके होना चाहिए। तो कभी भी आप वेबसाइट बनाएंगे ना तो सबसे पहले आप उसका एक नोट जरूर बना लें, ये नहीं कि डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल पे आ जाना है, बिल्कुल भी ऐसा गलती मत कीजिएगा। कोई भी वेबसाइट लॉन्च करने से पहले या फिर बनाने से पहले आप उसका एक नोट जरूर तैयार कीजिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए कि आपकी वेबसाइट की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, उस वेबसाइट में क्या प्रोडक्ट और सर्विस को आप सेल करेंगे, और उसमें कौन सी कीवर्ड आपके लिए इफेक्टिव होगी, डैट मीन्स कि लोग क्या सर्च करेंगे इंटरनेट पे जिससे कि आपकी वेबसाइट दिखे वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट मंगाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लैपटॉप बाय करना है, तो लोग क्या टाइप करेंगे, बाय लैपटॉप ऑनलाइन या फिर बाय लैपटॉप, ठीक है इस तरह से। तो जो अगर जो जो कंपनी है जो लैपटॉप में डील कर रही है तो उनकी जो वेबसाइट होगी जो लैपटॉप बनाती है, जैसे कि डेल हो गया, ये हो गया, तो वो लोग इस तरह से मतलब अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे कि उनके जो भी टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होंगे वो इस टाइप के कीवर्ड्स को यूज करेंगे, ताकि यहाँ पे कोई लैपटॉप जिससे मैंने एक एग्जाम्पल लिया प्रोडक्ट का वो सर्च करे तो इंटरनेट पर विजिबल हो। तो सेम आपको भी इस टाइप से यहाँ पे करने हैं। इज इट क्लियर गाइस? ओके शायद एंड ओके वामशी एंड गिविंग अप्रोप्रिएट टाइटल टू एवरी पेजेस। तो मैंने अभी भी बताया कि आपको हर एक पेज का जो टाइटल होगा ना वो भी बहुत अप्रोप्रिएट रखना है, डैट मीन्स कि टू दी पॉइंट रखना है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आपके पेज का जो टाइटल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड लगा दिया दैट मीन्स कि वो बहुत इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, कुछ भी मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टाइप किया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देखिए यहाँ पे सभी के जो टाइटल आप देखिए, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग बाय सिलिकॉन वैली, डिजिटल मार्केटिंग इन UK, मार्केटिंग कोर्सेज इन लंदन, ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड से आप ये देखिए जो टाइटल है ना इसको हम लोग टाइटल बोलते हैं, और ये काफी लॉन्ग टेल है, तो इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि इसमें अगर कोई शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड्स अगर कोई सर्च करता है या फिर लर्न डिजिटल मार्केटिंग या सिंपली डिजिटल मार्केटिंग भी टाइप करता है तो बेसिकली इनकी वेबसाइट विजिबल होगी, यहाँ पे सर्च में आएगी, तो ये बेनिफिट होता है लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल का।
ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑन पेज एसईओ, तो यहाँ तक क्लियर है कीवर्ड प्रोसेस अभी तक जो मैंने बताया, कीवर्ड प्रोसेस आप लोग समझ गए हैं। और कीवर्ड प्लानर में अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। और अगर कीवर्ड प्लानर के बारे में मैंने पहले भी 2-3 क्लासेस में मैंने डिस्क्राइब किया कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है, कीवर्ड प्लानर टूल को कैसे हेल्प करते हैं, गूगल एडवर्ड्स की लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा अगर किसी को डाउट हो तो। और अगर और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑन पेज एसईओ का। एसईओ के दो पार्ट होते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। बेसिकली ऑन पेज जो एसईओ होते हैं वो हम लोग अपनी वेबसाइट के इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, दैट मीन्स कि अपनी वेबसाइट को मतलब इनहांस करने के लिए, कि जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं मतलब एडिटिंग, आप समझते हैं ना, एडिटिंग छोटे मोटे करेक्शन जो होते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट पर करेक्शन जो करते हैं उसको हम लोग ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे जो छोटे मोटे करेक्शन है उसको हम लोग फिक्स करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल के लिए। गूगल आप ये बोल सकते हैं उसे एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं हम लोग, दैट मीन्स कि गूगल फ्रेंडली भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए कुछ 7-8 स्टेप्स होते हैं, बेसिकली ये कंप्लीट 8 स्टेप्स, 8 to 10 स्टेप्स होते हैं जिसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। ऑन स्टेप्स ऑन पेज एसईओ बहुत सिंपल है और इसे थोड़ा सा ध्यान से करना होगा क्योंकि आपके हर एक कीवर्ड्स और वर्ड्स जो होंगे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और वो मैटर करते हैं आपकी एसईओ के लिए, कंप्लीट एसईओ के लिए। क्योंकि कोई भी लोग अगर सर्च कर जाएगा आपकी वेबसाइट को तो वही कीवर्ड्स मतलब जो आपने लगाए रखे होंगे उसी के बेसिस पे आपकी वेबसाइट विजिबल होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है कि आपके कीवर्ड रिसर्च जो की है वो कैसे की है, आपने अच्छे कीवर्ड्स की सिलेक्शन की है या नहीं की है, शॉर्ट टेल है या लॉन्ग टेल है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो कीवर्ड्स जब भी आप सेलेक्ट कीजिए तो अच्छा चूज करके ही सेलेक्ट कीजिए और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए लगाने का। और जिनकी मंथली सर्चेज मिनिमम 500 to 1000 एटलीस्ट हो ही हो बिगनिंग में, ठीक है, और 10 कीवर्ड पर पेज मिनिमम इन द बिगनिंग। तो इसके बाद देखिएगा इस पेज टाइटल आता है, बेसिकली हम लोग पेज टाइटल इसको बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा पेज अभी मैंने ओपन कर रखा है, इसको हम लोग पेज टाइटल बोलते हैं। और ये एसईओ का सबसे पहला पार्ट है पेज टाइटल, हमें इसको क्लियर रखना है, मतलब आपकी जो टाइटल होगी वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और एसईओ फ्रेंडली, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे कीवर्ड यूज करके अपने टाइटल को लगाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस चीज से रिलेटेड है, या फिर आपकी वेबसाइट किस चीज में डील करती है, या आपकी वेबसाइट की मतलब वो कंप्लीट एक बेसिक डिस्क्रिप्शन होती है जो कि एक लिमिटेड वर्ड्स के अंदर में आपको डालने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया एक कीवर्ड लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और हमारे सामने एसईओ के रिजल्ट आप देखिए कुछ यहाँ पे आए हुए हैं। एक देखिए यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए एसईओ का रिजल्ट है, ठीक है, मैंने टाइप किया था लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे ही मैंने लर्न डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया तो यहाँ पे आप देखिए एक दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग का यहाँ पे रिजल्ट खुल के आया हमारे सामने। और ये जो आप डिटेल देख रहे हैं ना, इसको हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये सेकेंड पॉइंट, दैट इज मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेबसाइट। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट डिलीवरिंग एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली। लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अलॉन्ग विथ कम्प्लीट डिटेल्स एंड ऑल इस तरह से। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये आपकी वेबसाइट का एक शॉर्ट बायो हो गया यहाँ पे जो कि आपको पुट करना है विथ अच्छे कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जो भी डिजिटल मार्केटिंग वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे को बोल्ड कर दिया है यहाँ पे, है ना, ये सारे वर्ड देखिए आप बोल्ड हो गए हैं। मैंने यहाँ पे जो सर्च किया था वो लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे देखिए लर्न को भी बोल्ड कर दिया क्योंकि इनकी जो डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स एडेड है इसीलिए ये बोल्ड किया। तो कभी भी आपको जो टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस जो यूज करने हैं उसमें कीवर्ड्स यूज बिल्कुल करने ही करने हैं। तो ये हमारा पेज का टाइटल आप बोल सकते हो या फिर आप टाइटल बोल सकते हो, ये इसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। और दूसरा इसको हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसको कैसे हम लोग एडिट करेंगे मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पे कि कैसे आपको मेटा टाइटल डालना है। एक तो सबसे पहला आप यहाँ पे ये देखिए,
एक बिना हम लोग प्लगइन्स के जो करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइट का टाइटल हो गया, ये जो भी आपकी साइट की टाइटल होगी यहाँ पे आपको वो पुट करना है। और अगर कोई टैगलाइन है आपकी साइट का तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, दैट इज एम्पावरिंग यू टू सक्सेस, जो भी आपका यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये तो सिंपल सा है। सॉरी गाइस। एंड फाइनली उसके बाद देखिए थर्ड यहाँ पे मेटा टैग्स आता है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा गाइस, मेटा टैग जो होता है ना, इसकी दो तीन तरह के मतलब मेटा टैग्स होते हैं यहाँ पे। मेटा टैग बेसिकली हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो गूगल के साथ ऑप्टिमाइज होता है, और गूगल उसे मतलब गूगल फ्रेंडली बन जाता है मेटा टैग, मतलब कि गूगल की गूगल हमें सर्चेस देता है अगर आप मेटा टैग यूज करते हैं तो। दैट मीन्स कि गूगल हमें आप मतलब गूगल आपकी वेबसाइट को वहां पे आप रैंक कराएगा, दैट मीन्स कि गूगल के पेज पे दिखेगा अगर आप सही मेटा टैग्स का यूज करते हैं तो। अब देखिए मेटा टैग्स की दो तीन टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला मेटा टैग होता है वो आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर मेटा टैग लगते हैं, जैसा कि अभी अभी आपने देखा यहाँ पे, मैंने ये जो सर्च किया था यहाँ पे, आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे जो टैग्स देख रहे हैं ये सारे मेटा टैग्स कहलाते हैं। दैट मीन्स कि कोई कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया मैं डिजिटल मार्केटिंग या लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो ये वेबसाइट दिख रही है, तो इसके अंदर जो ये कीवर्ड लगेगा इसको हम लोग मेटा टैग्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि आप इस मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाते हैं, ठीक है। थीके? और दूसरा जो टैग्स आप लगाएंगे, एक एड टैग होता है जो कि आप इमेज के पीछे लगाते हैं। गूगल कभी भी किसी भी इमेज को यूं ही रिकॉग्नाइज नहीं, मतलब ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है पिक्चर देख के। मतलब मान लीजिए आपने कोई फोटोग्राफी रिलेटेड इमेज को सर्च किया या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड को सर्च किया, तो गूगल को ये नहीं पता होता है कि वो इमेज के अंदर क्या है, गूगल ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके लिए गूगल का एक सिस्टम जो है, जो एल्गोरिदम बोलता है, वो ये बोलता है कि आप कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे तो उसके पीछे एल टैग का जरूर यूज किया कीजिए। इसको एल टैग भी बोलते हैं और अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। बेसिकली आप कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट पर जब भी डालेंगे तो उसे इस तरह से एल टैग और अल्टरनेटिव टेक्स्ट को लगाना जरूरी है। उसमें कीवर्ड्स आप लगाएंगे बेसिकली, और हर एक इमेज पे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी वेबसाइट पे 10 इमेज लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर पेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर ये पेज है हमारा, जैसे मैंने एक यहाँ पे इमेज लगाया, फिर नीचे सेकेंड इमेज, फिर नीचे थर्ड इमेज, एंड अगेन फोर्थ इमेज, एंड अगेन फिफ्थ इमेज, तो यहाँ पे मैंने 5 इमेज लगाए हुए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 इमेज लगाए हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, पर्टिकुलर पेज के लिए, तो जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने मान लीजिए 5 इमेज लगाए, तो मुझे ये नहीं करना कि पांचों इमेज में मैंने एक ही कीवर्ड को डाल देना है, ऐसा नहीं करना। 10 इमेज लगाया अपनी वेबसाइट पे, 10 इमेज में आपको 10ों के डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स लगाइए, या फिर आप 8 डिफरेंट कीवर्ड लगा दीजिए, ठीक है, और दो कोई सेम मिला दीजिए, लेकिन कभी भी एक ही कीवर्ड को आपको कंप्लीट पूरे इमेज में, पूरे वेबसाइट के इमेज में नहीं लगाने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा फिर और आपको रैंक अच्छी नहीं मिलेगी। कभी भी रैंकिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको सारे कीवर्ड जितने भी आपने सेलेक्ट करके लिस्ट बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 कीवर्ड अगर मैंने इस पेज के लिए निकाला है, तो हर एक इमेज के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज करूंगा, और कीवर्ड्स भी ऐसा लगाने जो आपके इस इमेज से मतलब रेलेवेंट मैच करती हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी लोग कंटेंट देख के, जो ग्राफिक्स देख के भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा यहाँ पे देखिए बहुत ही ये मैंने ये किया हुआ है, उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, और अगर कोई यहाँ पे आकाश डिजिटल मार्केटर सर्च करता है एंड फाइनली इमेज के सेक्शन पे आता है, तो उसे यहाँ पे मेरे वेबसाइट के जितने भी इमेजेस है वो कंप्लीट दिखेंगे। वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि मैंने इसके पीछे अच्छे से एल टैग्स का यूज किया हुआ है, एल टैग मैंने लगाए हुए। तो यहाँ पे आप जो भी इमेज आप देख रहे हैं ये कंप्लीट आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो इमेज लगाया गया है कहीं ना कहीं मेरे पोस्ट का, कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट का लोगो है, या फिर मेरा खुद का प्रोफाइल पिक्चर जो हमारी वेबसाइट में डाला गया है वो सारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से आपको भी लगाने हैं। और अगर मैं किसी इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज को लगा लूँ, तो यहाँ पे आप देखिए आकाश डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम ये बोल रहा है इसका जो ऑरिजिन है। फिर दूसरा देखिए इसमें भी सेम आ रहा है, ये देखिए हमारा यहाँ पे YouTube का ये सोर्स दिखा रहा है, ये YouTube का हमारा स्नैपशॉट यहाँ पे आया हुआ है, ये जो सारे आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इन्फोग्राफ्स देख रहे हैं, ये सारे जो स्नैपशॉट लगे हुए सब हमारी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे दिख रहा है। डैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमें ये करने है। अब देखिए कि बात होती है कि अब कैसे हम लोग इसको लगाएंगे, तो इसको इमेज को लगाने का सिंपल सा फंडा है, इसके पीछे जो आप कीवर्ड लगाएंगे, कभी भी आप यहाँ पे जो इमेज को ऐड करते हैं ना, आप ऐड करते वक्त भी लगा सकते हैं, या फिर आप सिंपली इस इमेज को, जैसे मान लीजिए लगाने हमको इस इमेज के पीछे,
इस इमेज को आपको सेलेक्ट करना है एंड इस पर राइट क्लिक, इस पर आप डबल क्लिक आप इस तरह से करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट का। इस एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैप्शन होता है और एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, तो इसी अल्टरनेटिव टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसको एल टैग भी बोला जाता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी इमेज को आइडेंटिफाई कराएगा अगर कोई सर्च करता है गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग करके तो। ठीक है, इस तरह से आपको कीवर्ड लगाने एकदम क्लियर आपको रखना है कीवर्ड का नेम यहाँ पे। और अगर आप लिंक लगाना चाहें अपनी वेबसाइट का तो लिंक भी डाल दीजिए कि कौन से पेज पे ये आपकी वेबसाइट दिखेगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि मतलब आपकी वेबसाइट का यहाँ पे नेम आएगा और सर्चेस बढ़ेंगे जितना ज्यादा आपकी लिंक्स लगेगी इस इमेज पे। ठीक है, और इस तरह से करके अपडेट आपको कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप कुछ और फुल यहाँ पे लिखना चाहें, इस कैप्शन लगा सकते, जैसे कि आप कोई सेल्फी वगैरह लेते हैं अपने फेसबुक पे जब शेयर करते हैं तो कोई कैप्शन लगाते हैं ना कि ये सेल्फी भाई किस चीज से रिलेटेड है, क्या है उस सेल्फी में, या फिर आपने मतलब कौन है सेल्फी में, या फिर कुछ अपना एक कुछ लगा दिया आपने सेल्फी लेते वक्त अपना एक कोटेशन वगैरह, तो सेम यहाँ पे कैप्शन का मतलब भी वही होता है। इस तरह से आप लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ अल्टरनेटिव टेक्स्ट को लगाया है, अपडेट किया है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट आप इमेज को जब सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है एंड सिंपली यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट को लगाना है। ठीक है, देखिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन, तो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज करना है आपको। तो आई होप गाइज ये क्लियर होगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट का, प्लीज लेट मी नो ऑल ऑफ यू। वैमसी सेज यस, ओके वैमसी। शाहिद सेज क्लियर, अमन सेज क्लियर, ओके शाहिद एंड ओके अमन। गाइज एसईओ करने के लिए आपको वर्डप्रेस की डैशबोर्ड को ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छे से कि ये डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स आपके पास अवेलेबल है, तभी आप यहाँ पे एसईओ को समझ पाएंगे अच्छे से। अदरवाइज कंफ्यूज करेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो वर्डप्रेस को आप एक बार अच्छे से समझिएगा जरूर से कि कौन से साइड में पैनल है, क्या क्या यहाँ पे टैब्स है, नेविगेशन है, इन चीजों को एक बार स्टडी जरूर कीजिएगा। आप एक बार क्या कीजिएगा, अपने डैशबोर्ड को ओपन कीजिएगा एंड सारे टेक्स्ट को सारे फीचर्स को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस सेक्शन के अंदर क्या क्या हमें चीज मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं कमेंट्स के अंदर जा रहा हूँ तो कमेंट्स के अंदर क्या क्या है, अपीयरेंस के अंदर हम लोग जा रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या सब मेन्यूज आ रहे हैं, इन सब चीजों को एक बार स्टडी कीजिएगा, इससे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी यहाँ पे समझने की। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइज एक यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली यूआरएल स्ट्रक्चर जो होता है आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हुआ, जैसे कि ये जो हम अभी देखिए होम पे मैंने क्लिक किया तो ये कंप्लीट हमारी वेबसाइट का एड्रेस आ गया यहाँ पे, akashdigitalmarketer.com। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और यूजर फ्रेंडली, आई मीन की सर्च फ्रेंडली होना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई अबाउट पे क्लिक करता है तो कंप्लीट ये अबाउट का आना चाहिए, इसके बीच में कुछ अदर नहीं आना चाहिए। सेम उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के टैब पे आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए akashdigitalmarketer.com/digital marketing, ठीक है, जो यहाँ पे मेन्यू का दिख रहा है। फिर ग्लॉसरी में है, आपको यहाँ पे बेसिकली कीवर्ड्स के यूज करने हैं, अच्छे कीवर्ड्स आप लगाइए, ये भी मैटर करता है आपके यहाँ पे कितने अच्छे आपने यूआरएल स्ट्रक्चर है आपकी, कितने अच्छे आपने कीवर्ड्स को यूज कर रखे हैं। जैसे देखिए डिजिटल मार्केटिंग है तो क्या यहाँ पे कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग का। फिर यहाँ पे इसी पेज की जो मैंने टाइटल रखी हुई है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, यूजर फ्रेंडली है ना, सर्च फ्रेंडली है, तो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहला एक चीज आप कीजिएगा, आप सेटिंग्स में जाइएगा अपने। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद सिंपली आपको एक यहाँ पे दिखेगा परमालिंक का सेक्शन ऑप्शन, ये देखिए परमालिंक आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, परमालिंक में आपको आना है एंड आपको सिंपली यहाँ पे पोस्ट नेम पे कर देना है। ठीक है, ये तो एक पहला ऑप्शन हो गया। हमें योस्ट की एसईओ की एक प्लगइन होती है, जब हम लोग एसईओ पे आएंगे अभी प्लगइन्स पे आएंगे तो उसमें भी मैं बताऊंगा। ये बेसिकली पोस्ट का टाइटल है, मतलब क्लियर हो गया, यहाँ पे पोस्ट का जो भी आप पोस्ट करेंगे ना उसकी जो यूआरएल स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगी। इस तरह से आपको यहाँ पे कर देना, ये जो बाई डिफॉल्ट होती है या तो प्लेन पे होगा आपका या फिर डे एंड नेम पे होगा, तो इसकी जो पब्लिश होगी पोस्ट की यूआरएल इस तरह से कुछ दिखेगी आपको, है ना, तो ये सर्च फ्रेंडली नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे पोस्ट नेम को सेलेक्ट करना है एंड फाइनली सेव चेंजेस कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग पोस्ट पे आए यहाँ पे और किसी एक पोस्ट को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, हाउ टू क्रिएट अ पेपाल अकाउंट टू रिसीव मनी, मैंने इस पोस्ट को ओपन किया है और आप देखिए यहाँ पे इसकी परमालिंक दी गई है।
तो ये बेसिकली परमालिंक ये हो गया, जब कोई यहाँ पे टाइटल को पुट करता है तो ये ऑटोमेटिकली इसे ऑप्टिमाइज कर देगा यहाँ के लिंक के लिए, हाउ टू क्रिएट अ पेपाल अकाउंट टू रिसीव मनी। तो इससे हमें यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, क्रिएट अ पेपाल अकाउंट टू रिसीव मनी। तो इस तरह से भी करने पे क्या होगा कि देखिए, अभी तो अगर हम लोग इस पोस्ट को ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये सिंपली आपको लॉन्ग दिखेगा, मैं शॉर्ट कर दिया हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर मैं इसको भी ओपन किया तो ये पूरा कंप्लीट आ रहा है, हाउ टू क्रिएट अ पेपाल अकाउंट टू रिसीव मनी। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं रखना है, थोड़ा शॉर्ट रखिए और मतलब टू दी पॉइंट और रेलेवेंट रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ पेपाल अकाउंट टू रिसीव मनी कर दिया, और इसे मैं जब अपडेट कर देना है, एंड फाइनली जब इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे इस पोस्ट के पेज को, तो आप चेंजेस देखेंगे कि ये शॉर्ट हो गया, क्रिएट अ पेपाल अकाउंट टू रिसीव मनी। तो इस तरह से अगर कोई वो हाउ टू भी यूज करके सर्च करेगा ना, तो हमारी ये पोस्ट यहाँ पे दिखेगी, हाउ टू क्रिएट क्रिएट पेपाल अकाउंट टू रिसीव मनी। तो ये थोड़ा शॉर्ट भी हो गया और सर्च फ्रेंडली भी हो गया, ताकि गूगल में ये अच्छे से ऑप्टिमाइज हो पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत लॉन्ग यूआरएल जो होता है ना वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। और इसीलिए कहा जाता है कभी भी आप डोमेन नेम वगैरह परचेज कीजिए तो एक शॉर्ट एंड कैरेक्टर मतलब शॉर्ट कैरेक्टर्स की यूज कीजिए डोमेन नेम, 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करना होता है कि 10 से 12 कैरेक्टर के अंदर के बीच में हो, 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में, तो यही रीजन होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स बॉडी टैग, जिसको कि हम लोग हेडर टैग भी बोलते हैं, H1, H2, H3, H4, वेयर H इज कॉल्ड हेडिंग। ओके, तो इसका जो देखिए प्लेसमेंट है हेडिंग टैग का, ये बेसिकली हेडिंग टैग इसे ही बोलते हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी बेसिकली जो भी ये कंटेंट हो गई आपने लिखा, और यहाँ पे आप जो पैराग्राफ के पास ये जो देख रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसको आपको क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि पहला एक पैराग्राफ, ये सिंपल हो गया, ये एकदम जो कंटेंट आपने लिखा है इस तरह से, ये देखिए मैंने जो कंटेंट लिखा है ये पैराग्राफ कंटेंट हो गया, इसमें कोई भी हेडिंग या हेडर टैग या टाइटल टैग का यूज नहीं किया गया। लेकिन जब कभी भी आप हेडिंग को आपको डालना हो, या कोई मतलब जैसे कि आपने कोई टॉपिक लिख रहे हो उसमें कोई पॉइंट आता है, ठीक है, तो एक आपने हेडिंग डाला, उस हेडिंग के अंदर फिर सब हेडिंग्स आते हैं, है ना, तो ये हेडिंग टैग या हेडर टैग जो है इसीलिए काम आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सब पहली हेडिंग हो गई, तो हम लोग हेडर टैग को 2 से यूज करना है, 1 से बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, 1 आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट है फर्स्ट में, है ना। कभी भी पोस्ट कभी भी पेजेस पे ध्यान रखना है, ये 1 के बाद से आपको सेकंड से स्टार्ट करना है, हेडिंग 2 से 1 कभी भी यूज नहीं करेंगे, इसकी एक रूल है ये। तो हेडिंग 2 से स्टार्ट करेंगे, या हेडिंग 3 से, या हेडिंग 4 से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। एंड आप यहाँ पे हेडिंग टैग 2 का यूज कीजिए, पहला टाइटल, ठीक है, अब उसके अंदर आपको सब पॉइंट्स डालने हैं, देन आपको हेडिंग टैग 3 का, 4 का, इस तरह से करते जाइए। इससे क्या होगा कि एक सीरियल ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में आपका आ जाएगा सब हेडिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के अंदर कभी आप कुछ ओपन करेंगे तो उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग flipkart.com पे आए तो उसकी पहले हेड टाइटल खुलेगी, एंड उसके अंदर फिर मेन्यू आएगा, एंड देन सब मेन्यू एंड ऑल। जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन पे क्लिक किया तो इसके अंदर मोबाइल्स की लिस्टिंग आई, मोबाइल एसेसरीज की आई एंड ऑल। देखिए तो मोबाइल्स पे मैं जब आता हूँ तो इस मोबाइल्स के अंदर फिर सैमसंग, लेनोवो, एमआई, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के नेम आ गए। उसी तरह से सेम अगर मोबाइल एसेसरीज पे आए तो मोबाइल के एसेसरीज के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स है, जैसे मोबाइल केसेस है, हेडफोन्स एंड हेडसेट है, तो ये कैटेगरीज बनते आ गया। तो सेम यहाँ पे भी हमारा ये हेडिंग टैग इसी की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज हमें ये होता है कि हेडिंग टैग जब आप लगाते हैं ना, तो गूगल आपको सर्चेज में प्रेफरेंस देता है, ऑडियंस की सर्च में आपकी विजिबिलिटी आनी स्टार्ट होगी अगर आप हेडिंग टैग्स का यूज करते हैं तो। तो कभी भी आप पोस्ट लिखिए या कंटेंट लिखिए तो हेडिंग टैग का डेफिनेटली यूज कीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है ना, आपको डेफिनेटली यूज करना है। आप चाहे तो इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करने का सिंपल तरीका है, यहाँ से किसी भी कलर को उठाइए, आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं जो भी कलर आपको ठीक लग रहा है। इससे बेनिफिट ये होगा, ये कलर्स लगाने से तो थोड़ा सा अटेंशन गेन भी होता है लोगों का, ठीक है, इससे ये बेनिफिट होता है कि लोगों का अटेंशन जाएगा आपकी पोस्ट पे जब वो पढ़ेंगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे क्योंकि ब्लैक तो बहुत कॉमन होता है और वो सिंपल होता है, ब्लैक हर कोई यूज करते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट आपने तैयार किया और उसको कलरफुल मतलब आपने एक प्रोफेशनल तरीके से आपने कलर दिया हुआ है, मतलब लुक दिया हुआ है, लुक एंड फील, तो लोगों की अटेंशन जाएगी और इससे सर्चेस भी बढ़ेंगे आपकी वेबसाइट पे।
गूगल को भी समझ में आएगा कि आपने ये लगा रखे हैं कीवर्ड्स, क्योंकि सभी पे आपको लगाने नहीं है, क्योंकि कंटेंट जो है आपका उसको सिंपल टेक्स्ट ब्लैक में रखने हैं, एंड जो हेडिंग टैग्स है उसके कलर को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नील पटेल की वेबसाइट है, आप जानते होंगे नील पटेल को, ही इज अ इन्फ्लुएंस मार्केटर। ओके, आप इनकी वेबसाइट पे आइए तो आप ध्यान दीजिएगा इनके जो कलर कॉम्बिनेशन है, देखिए ऑरेंज एंड ब्लैक का है। तो आप बेसिकली किसी भी पोस्ट या कुछ को ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज आपको ज्यादा दिखेगा, है ना। तो ये एक अटेंशन खींचता है लोगों का अपने तरफ, तो इस तरह से भी आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो गूगल को भी समझ में आएगा कि क्या क्या चीज यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने हैं, एंड दूसरा ट्रैफिक जो होती है वो इंक्रीज, ट्रैफिक मतलब आई मीन की जो यूजर होंगे उनकी अटेंशन जाएगी आपके पोस्ट पे, आपके कॉन्टेंट्स पे। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी इन्फोग्राफ्स वगैरह आप अगर अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं तो लार्ज साइज का लगाइए, इससे भी अटेंशन खींचता है लोगों का अपनी तरफ, ये बड़े बड़े इमेज को यूज करना अपनी वेबसाइट का। तो दिस इज कॉल्ड हेडिंग टैग, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इसके अंदर इस तरह से देखिए सब हेडिंग्स में अंदर आपको छोटा लगाना हो तो आप इसको फिर इस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं बोल्ड करके, है ना, कैप्स लॉक में लिख के। तो ये होता है। फाइनली अब आती है बात कीवर्ड डेंसिटी की। तो बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी मींस द नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड्स आर रिपीटेड इन योर कंटेंट और इन योर आर्टिकल। ओके, तो आपकी वेबसाइट या आर्टिकल जो भी आपने लिखा पब्लिश किया उसमें नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो वो कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंप्लीट आर्टिकल में, है ना। तो उसकी जो डेंसिटी होती है ना, इसकी एक लिमिट होती है जो कि 2.5-3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो लोग 5% तक भी लगाते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो जिससे मुझे हमको रिजल्ट मिला है अच्छा, तो मैं वो बता रहा हूँ कि आपको 3% से ज्यादा नहीं लगाइएगा। ये 3% तक अगर आप यूज करते हैं कीवर्ड डेंसिटी तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगाने के लिए लोग 5% भी लगाते हैं, लेकिन 3% इज इनफ। ओके, कोई कोई तो 10% भी लगा देता है, लेकिन 10% बहुत ओवर हो जाता है। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट ओवर ऑप्टिमाइज होने लगती है और पेनलाइज होने के भी चांसेस होती है, और गूगल आपको फिर कुछ दिन के बाद आपकी रैंकिंग को डाउन कर देता है। तो ये एक पॉइंट है। अब बात होती है कि कीवर्ड डेंसिटी आप कैसे चेक करेंगे। तो कीवर्ड डेंसिटी चेक करना बहुत आसान है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। आपको सिंपली मैंने एक टूल का नाम बताया था, स्मॉल एसईओ टूल। ये बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग के लिए टूल है। जब हम लोग कंटेंट मार्केटिंग के मॉड्यूल पे आएंगे तो इस टूल के बारे में भी और कुछ समझेंगे। तो इस टूल पे आपको आना है, एंड कीवर्ड डेंसिटी का आपको एक यहाँ पे मिलेगा फीचर। जस्ट आपको कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पे ढूंढना है एंड क्लिक करना है। तो बेसिकली अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप सिंपली टाइप कर सकते हैं कीवर्ड डेंसिटी। और आपको फर्स्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल एसईओ टूल का कीवर्ड डेंसिटी चेकर पे हम लोग आ गए हैं कि हमारी वेबसाइट की जो डेंसिटी क्या है कीवर्ड्स की, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस पेज पे आए, अगर मैं चेक करना चाहूँ इस पेज का क्या कीवर्ड डेंसिटी है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। मे बी कभी कभी ज्यादा या कम भी होता है। आपको रेगुलर इसको अपनी वेबसाइट का जो टेस्टिंग है ना, उसे आपको रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा, बीच बीच में आपको देखते रहना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स होंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स पर फेज 3, 2, 1, ये डिपेंड करना है आपको कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपको पहले एक पैराग्राफ में आपने यहाँ पर सेट किया। तो इससे जनरल जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया उसे आप रहने दें, एंड आई एम नॉट अ रोबोट करके चेक करिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये सारे जो कीवर्ड्स यहाँ पे, जो भी कीवर्ड लगे गए, ये सारे इनकी जो काउंटिंग है ये बहुत ज्यादा, जैसे कि ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फर्स्ट मोबाइल ईमेल, होप यू एंजॉयड, ये सारे जो वर्ड्स है ना ये बहुत मतलब कि बार बार रिपीट हो रहे। तो इनके जो काउंटिंग है कितनी बार रिपीट हो रहे, तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स। और इनकी जो डेंसिटी है ये सारी लो है, इनको मुझे इम्प्रूव आई मीन कि ये इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इनको थोड़ी हाई करने की जरूरत है, ये बहुत लो है।
ठीक है, तो ये कुछ 100 वर्ड्स मुझे फाइंड आउट करके दे दिया। अब मुझे इनमें से सेलेक्ट करना है कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 111 है, इसको आप देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे देखिए, ये बहुत ज्यादा काउंट है, मुझे किस में करेक्शन करनी है कंप्लीट डिटेल दिख रहा है। इस वर्ड को मुझे थोड़ा काउंटिंग को कम करना है और उनकी डेंसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो आप यही करेंगे, सिंपल सी बात है कि डेंसिटी को आपको इम्प्रूव करना है। सिंपल सी आप अपने जो नंबर ऑफ टाइम्स है इसको थोड़ा डिक्रीज कर दीजिए। यहाँ पे कुछ कुछ मेरा गड़बड़ भी है, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, पेज को काफी दिन से मैंने से छोड़ा हुआ है। तो बेसिकली यही है आपका कीवर्ड डेंसिटी। आपको कोई भी वेबसाइट है, कोई भी पेज की आपको कीवर्ड डेंसिटी जाननी है, फॉर एग्जाम्पल ग्लॉसरी सेक्शन की जाननी है, सिंपली आपको वेबसाइट का लिंक को कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है लाके। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वर्ड की आपकी काउंटिंग कितनी बार बार आ रही है, किसको आपको कम करने की जरूरत है। दैट मीन्स की इस आई मीन की जैसे कि मान लीजिए मार्केट दिस स्टार्टअप है, ये वर्ड्स कितनी बार रिपीट हो रही है आपकी वेबसाइट पे, तो इनकी जो परसेंटेज होगी वो 3 पर 2.5-3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। और अगर इससे कम है तो उसको इम्प्रूव करना है, और अगर 2.5-3% से ज्यादा है तो उसको फिर कम करके 2.5-3% तक लाना है। तो बस बेसिकली आपको इतना करना है यहाँ पे थ्रू दिस टूल। तो कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे फ्री टूल्स भी अवेलेबल है। ये भी फ्री टूल्स है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टूल्स पर कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल एसईओ टूल इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर डूइंग फॉर चेकिंग योर डिजिटल मार्केटिंग थिंग्स लाइक दिस। ओके, तो शाहिद सेज समथिंग, शाहिद सेज नेटवर्क कंजेशन ड्यू टू रेन। ओके शाहिद, गाइज आप लोगों की तरफ नेटवर्क ठीक है? प्लीज लेट मी नो, मेरी आवाज एंड पिक्चर क्लियर जा रही है सभी को? वामशी सेज यस। ओके वामशी, ओके कोई बात नहीं, शायद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्लास की आज की, ठीक है? सो डोंट वरी फॉर दैट, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अमन सेज यस। ओके अमन, थैंक यू। देन गाइस कमिंग टुवर्ड्स robot.txt एंड sitemap.xml। बेसिकली robot.txt एक फाइल होता है, ठीक है? ये हम लोग एसईओ में सीखेंगे अभी। एसईओ की जो प्लगइन होगी, हमारी जो एसईओ की सबसे बेस्ट प्लगइन है वो है योस्ट एसईओ प्लगइन, उसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे डिटेल में। एंड फाइनली एक साइट मैप डॉट एक्सएमएल होता है, ये भी हमें योस्ट की प्लगइन के अंदर मिल जाएगा, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इसे हमें करना है। बेसिकली साइट मैप गाइस ये होता है कि जब आपने वेबसाइट को पब्लिश कर दिया होता है, ठीक है, जब वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है पब्लिक डोमेन में, और आप जब उसके बाद कोई सर्टेन चेंजेस करते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं, या फिर कुछ नया उसमें ऐड करते हैं, या फिर कोई पुराने पोस्ट को ही आप कुछ एडिट करके उसमें चेंजेस लाते हैं ना, देन आपके लिए ये जो साइट मैप होता है वो सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए, गूगल पे। क्योंकि जब आप साइट मैप सबमिट करते हैं, कोई भी आप चेंजेस लेंगे ना, नया चेंजेस आप एडिट कर रहे हैं उसको, रिपेयर कर रहे हैं मतलब उस कंटेंट को, देन गूगल उसे तुरंत मतलब ये साइट मैप सबमिट करने से उसे फिर अपने आप में अपडेट करता है अपने सर्च लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई अबाउट सेक्शन में हाफ लिखा है कॉन्टेंट, मान लीजिए आपने वेबसाइट को पब्लिश कर दिया है, ठीक है, और 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप उसे चाह रहे कुछ और इम्प्रूव करके नया डालना, तो फिर उस केस में साइट मैप हमें सबमिट करना होता है। और आप जब साइट मैप सबमिट करेंगे और जब आप चेंज करेंगे ना अपने अबाउट के टैब को और ऐड कर देंगे कंटेंट को, वो ऑटोमेटिकली कुछ समय में, कुछ घंटों में, या फिर 1 से 2 दिन के अंदर, 24 घंटा 24 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली, या फिर इमिडिएटली भी कभी कभी हो जाता है, मतलब 2-4 घंटे का समय लेता है और वो अपडेट हो जाता है रिजल्ट। तो साइट मैप हमें सबमिट करना इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को सभी को करना होगा अपनी वेबसाइट को अगर इम्प्रूव करनी है तो। साइट मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कमिंग टुवर्ड्स इंटरनल लिंकिंग, अब बात होती है कि इंटरनल लिंकिंग कैसे होती है। तो इंटरनल लिंकिंग करने के लिए आप देख सकते हैं, अगर डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे कोई यूजर है तो आपको यहाँ पे लिंक्स लगाने हैं कि अगर इस पेज पे कोई पढ़ रहा है और अगर अबाउट सेक्शन पे जाना है, मतलब कुछ यहाँ पे कंटेंट आपने लिखा है, तो यहाँ पे आप लिंक लगा दीजिए अबाउट के पेज का। उसी तरह से कोई अबाउट के पेज पे उसे जाना है डिजिटल मार्केटिंग पे, आई मीन की पढ़ते पढ़ते एक लिंक लगा दीजिए डिजिटल मार्केटिंग पेज का, ग्रॉसरी का एंड डिफरेंट डिफरेंट पेजेस का। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे रोटेशन बनी रहेगी। और लिंक लगाना, इसको हम लोग इंटरनल लिंकिंग को हम लोग हाइपर लिंकिंग भी बोलते हैं। और आप इसे एंकर टेक्स्ट भी बोलते हैं। गाइस इस सब चीजों का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो बता रहा हूं अभी आप लोगों को ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है?
और एक भी स्टेप जो मैंने अभी तक बताया इसे यूं ही नहीं लेना, ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एसईओ का। अगर आप इसे केयरफुली नहीं करेंगे ना तो आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ब्लॉगर्स और एसईओ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो लोग ढंग से एसईओ नहीं करते उन्हें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं और वो फाइनली वो क्लोज कर देते हैं ये सारे चीजों को करना। वो सोचते हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं है, ये है वो है। लेकिन अगर आपको स्टेप सही रखे हैं, आपने केयरफुली एसईओ को किया हुआ है अच्छे से, देन आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिलीव मी गाइस। तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी स्टेप्स को हवा में मत लीजिएगा, ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनल लिंकिंग, हाइपर लिंकिंग एंड एंकर टेक्स्ट आर द सेम थिंग। ओके, यू हैव टू जस्ट पुट योर लिंक्स इन द मल्टीपल पेजेस। आप जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं बहुत सारे लिंक, आपको पोस्ट्स में भी लगाने हैं। जैसे कि ये होम पे आप जाएंगे यहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, जैसे टॉप 10 नेचुरल रेमेडीज, फिर हाउ टू स्टार्ट एन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस एंड ऑल। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में भी आप लिंक्स को लगाइए, और अपने पेजेस में तो लगाना ही लगाना है। पेज में ज्यादा से ज्यादा लिंक लगाने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अबाउट के टैब पे आप पढ़ रहा है तो वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने क्या किया है डिजिटल मार्केटिंग के लिंक यहाँ पे जो वर्ड है इसके अंदर मैंने लिंकिंग लगा दिए। अगर कोई इस पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे आ गया। तो इस तरह से आपको लिंकिंग लगाने हैं, और इस तरह के लिंक को आप रिपीट कीजिए पूरे इस इंटायर कॉन्टेंट के अंदर। इस पूरे कॉन्टेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स लगाइए अपने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस का। और अगर जरूरत पड़े तो कोई आप अगर आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने जो थर्ड पार्टी वेबसाइट होगी उनका भी लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी का कम लगाना है पेज के टैब पे, क्योंकि ये आपका जो पेज का टैब होगा बेसिकली यहाँ पे आपके लिंक्स ज्यादा होने चाहिए, आपकी वेबसाइट्स के लिंक जाना ज्यादा होनी चाहिए। जब आप पोस्ट पे लिंक लगाएंगे तो उस केस में आप दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे यहाँ पे, जब पोस्ट की बात आती है तो। लेकिन जब पेज की बात आती है तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट के पेजेस के जो भी पेजेस आपने बना रखे होंगे उनकी लिंक्स को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। ठीक है, जितना ज्यादा लिंक्स लगाएंगे, जितना ज्यादा रोटेट कराएंगे यूजर को आप अपनी वेबसाइट पे, डैट मीन्स कि यूजर आपकी वेबसाइट को उतने अच्छे से समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आपकी वेबसाइट में क्या है। वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करते के साथ ही साथ वो कंप्लीट इन सारे नेविगेशन पेजेस पे, मेन्यूज पे वो जाके समझ पाएगा कि आपकी वेबसाइट की ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मतलब आपने किस पर्पज से वेबसाइट को बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिंकिंग करनी है सारे चीजों की। इज इट क्लियर गाइज, प्लीज लेट मी नो। और देखिए गाइस, शाहिद सेज यस, ओके शाहिद, अमन सेज यस, ओके अमन। तो देखिए गाइस, जैसे लिंकिंग करना बहुत आसान है जब आप कंटेंट लिख ले, ये सब लास्ट स्टेप होता है जब आप एसईओ पे आते हैं। तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे ना तो उस टाइम आपको कंटेंट लिखने होंगे, आपको वेबसाइट को कस्टमाइज करना होगा, कलर कॉम्बिनेशन लगाना होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन आपको करने होंगे अपने ईमेल मार्केटिंग से, यहाँ पे जो आप साइन अप फॉर्म वगैरह लगाएंगे इन सारे चीजों को उस टाइम लगाना पड़ता है, वेबसाइट को मतलब रेडी करना पड़ता है। जब आप कंटेंट वगैरह लिख लेंगे, आपकी वेबसाइट जब कंप्लीटली आपको लगने लगे कि हाँ एक स्टेबल हो चुकी है, मतलब आप इसे अब एसईओ के लिए कंप्लीट एसईओ कर सकते हैं, देन तब आप एसईओ में हाथ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब कंटेंट आपकी बन जाती है, देन यहाँ पे देखिए मैंने इस कंटेंट पे पोस्ट पेज पे क्या लगाया हुआ है, इंटरनल लिंकिंग। तो इसको लिंकिंग लगाने के लिए सिंपली मान लीजिए मुझे इस ब्लॉग पे लगाने हैं, या फिर यहाँ जो डिजिटल मार्केटिंग है ना इसमें मुझे लिंक लगाने हैं। ठीक है, सिंपली क्या करना है कि आपको उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे देखिए एक इंसर्ट और एडिट लिंक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है आपको। और आपको जिस पेज का लिंक लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डिजिटल मार्केटिंग पेज का लिंक लगाना है कि कोई यूजर अगर आता है मेरी वेबसाइट पे और अगर यहाँ पे वो पढ़ता है इस आर्टिकल को और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आती है, दिखती है वर्ड, तो वो इसे यहाँ पे क्लिक कर सकता है और इजिली नेविगेट हो सकता है मेरे लर्न डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे। एंड सिंपली चेंज करने के बाद, अपडेट करने के बाद, ये मतलब ये लिंक लगाने के बाद आप इसे अपडेट कर दीजिए और आप अपने अबाउट पेज में आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए। एंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक लिंक लग गया है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और अब कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग के टैब नेक्स्ट पेज पे वो रिडायरेक्ट होता है। ठीक है, और इसी को अगर आप ठीक हटाना चाहें तो सिंपली आप यहाँ से इसके ठीक बगल में इंसर्ट लिंक के ठीक बगल में रिमूव लिंक का भी ऑप्शन है, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कीवर्ड भी है, आप कीबोर्ड से शिफ्ट एल्ट
शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस एस को भी टाइप कर सकते हो। और दूसरा एडिट के लिए आप सिंपली किसी भी वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड आप डायरेक्ट कंट्रोल वी या फिर पेस्ट को यहाँ पे ऑप्शन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली लिंक जो है इसके अंदर फिट हो जाएगी। देखिए मैंने जस्ट पेस्ट किया, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिट हो गया अंडरलाइन होके साथ होने के साथ साथ। ठीक है, मतलब अंडरलाइन हो गया इसके साथ साथ में। उसी तरह से आपको सेलेक्ट करना है कंट्रोल वी या फिर डायरेक्ट पेस्ट मारना है सेलेक्ट करके इस तरह से। ठीक है, तो इसी को हम लोग एंकर लिंकिंग भी बोलते हैं, एंकर टेक्स्ट भी बोलते हैं और हाइपर लिंकिंग भी बोलते हैं। तो ये बहुत केयरफुली करना है कि कौन कौन से वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसपे यूजर्स क्लिक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको इंथुजियास्टिक पे कर देना है, एक्टिव पे कर देना जिसका कोई मतलब ही ना हो। आपको उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं कीवर्ड्स पे करना है जो एक मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड्स पे आप लगाइए। जैसे डिजिटल मार्केटर, ये सब एक मीनिंगफुल वर्ड है। आकाश एक मीनिंग है, मतलब कि एक पर्सन पे अगर आपको पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एक वर्ड है, इसके बारे में जानना है तो आप इस यहाँ पे इस वर्ड पे क्लिक कीजिए। तो ये सब मीनिंगफुल वर्ड पे बहुत सोच समझ के आपको लगाने हैं लिंक्स को। यूं ही नहीं कहीं भी ऐसे जैसे तैसे लगा देना, ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के लगाना है ज्यादा से ज्यादा लिंकिंग। आप एक चीज को एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। अगर आप कभी भी विकीपीडिया खोलिएगा, आप देखिएगा विकीपीडिया में इसमें बहुत बहुत ज्यादा लिंक्स आपको दिखेंगे। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग विकिपीडिया। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, या फिर कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पे नैनो कार ही टाइप कर देता हूँ। मैंने नैनो कार विकिपीडिया किया, टाटा नैनो कार गया एंड सिंपली मैं इसको ओपन किया विकिपीडिया को। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा गाइस कि विकिपीडिया की सर्चेस जो है वो सबसे ज्यादा और टॉप पे आती है गूगल पे। ठीक है, आप कभी भी कोई रिजल्ट देखिए, सबसे पहला आपको विकिपीडिया का रिजल्ट मिलता है। इज इट ट्रू और फॉल्स गाइस, प्लीज लेट मी नो, विकिपीडिया का रिजल्ट सबसे पहले आता है या नहीं आता है? इज इट ट्रू और फॉल्स? वैमसी सेज यस। तो ओके वैमसी, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि विकिपीडिया के रिजल्ट सबसे पहले इसलिए आते हैं अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो बिकॉज यहाँ पे जो इंटरनल लिंकिंग है बहुत ज्यादा लिंकिंग है। आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आप कर्सर को ले जाइएगा ना, आपको हर जगह क्लिक मिलेगा, मतलब हर पॉइंट मिलेगा क्लिक का। तो इससे यूजर को मतलब एक ये मिलती है कि उनको कुछ भी जानना पर्टिकुलर वर्ड के बारे में वो फटाक से क्लिक करेंगे। जैसे टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर के बारे में हमको जानना है तो क्या करूंगा, मैं इस लिंक को ओपन करूंगा। यह सिटी कार है, सिटी कार के बारे में जानना है, सिंपली मैं इस लिंक को ओपन करूंगा। फिर यहाँ पे आप देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इस कार की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है टेक्निकल, तो इस पे क्लिक करूंगा। इसकी क्या क्या कॉस्ट कटिंग फीचर्स है, इस पे क्लिक करूंगा। डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स लगा हुआ, आप देखिए बहुत लिंक है यहाँ पे। फिर इधर आएंगे, यहाँ पे भी आपको इतने सारे लिंक्स दिखेंगे। फिर नीचे आप आर्टिकल को पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए इतने इतने लिंक्स लगे हुए, बहुत ज्यादा लिंक्स है। इस इतने ज्यादा लिंक्स लगाने का मतलब ही यही होता है कि एक तो एक पेज से दूसरे पेज पे लोग जाएंगे, और दूसरा ये विकिपीडिया पे इतना लिंक्स लगाने का मतलब ये हुआ कि गूगल की सर्चेज में विजिबिलिटी बढ़ जाना, बहुत बढ़ जाना। और विकिपीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लिंक्स लगाए गए हैं। अगर आपकी वेबसाइट में भी इस तरह से देखिए गाइस, यहाँ पे कितने लिंक्स है, आपको कुछ भी जानना हो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये रेफरेंसेस का जो यहाँ पे पार्ट दिया गया है, ठीक है, और हर एक लिंक पे आपको अंदर हर एक डिफरेंट चीज मिलेगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे सोच समझ के अपनी वेबसाइट्स पे भी लिंक को पुटअप करनी है, ताकि एक पेज से दूसरे पेज में जाए, और जो भी पोस्ट की कंटेंट है, उस पर्टिकुलर पोस्ट आप लिख रहे हैं तो उसकी कंटेंट पे जो लिंक पे क्लिक करें तो वो उस पर्टिकुलर चीज पे रिडायरेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो यहाँ पे एक पोस्ट लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ, यहाँ पे टॉप 10 नेचुरल रेमेडीज फॉर एवरीथिंग है। मैं इस पोस्ट को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर हम लोग इस पोस्ट को यहाँ पे सीधे अगर आए तो आप ध्यान दीजिएगा, टॉप 10 नेचुरल रेमेडीज फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, कोई यूजर इस आर्टिकल को पढ़ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे उसे इस प्रोडक्ट को बाय करना है, मान लीजिए इससे अच्छा लगा इस प्रोडक्ट को और डिटेल में जानना है। मैंने यहाँ पे देखिए लिंक लगाया हुआ है ऑर्गेनिक एप्पल सिडर वेनेगर, ACV, ACV का फुल फॉर्म हो गया एप्पल सिडर वेनेगर। यहाँ पे तो जितने भी ये वर्ड आ रहे हैं, मैंने इसके पीछे लिंक लगाए हुए उन वेबसाइट की जहां से ये प्रोडक्ट को ये परचेज कर सकता है। बेसिकली इसके पीछे मेरा एफिलियट लिंक भी लगा हुआ है, जिससे कि ये मुझे बेनिफिट होता है कि कोई अगर इस मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे कोई क्लिक करता है और जब ट्रांजेक्शन करता है तो मुझे एफिलियट कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये एक अफिलिएट मार्केटिंग का भी प्रोसेस है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको अफिलिएट मार्केटिंग में बताया था।
और अब देखिए, अगर कोई इस पे, मैं इसके इमेज पे भी क्लिक कर रहा हूँ ना, मैंने इमेज के पीछे भी लिंक लगा रखे हैं, तो ये देखिए डायरेक्ट कहाँ जाता है। तो ये इमेज लिंक पे क्लिक किया ना, तो ये अमेजन की वेबसाइट पे आता है और डायरेक्ट इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पेज पे आ जाता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स है, क्या इससे बेनिफिट मिलेगा, क्या प्राइस है और ये कैसे इसे परचेज किया जा सकता है। उसी तरह से सेम एक दूसरा प्रोडक्ट है सुपर स्ट्रेंथ ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो ये जो आप टाइटल देख रहे हैं, ये जो हेडलाइन है, इसको भी मैं लिंकअप कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है, सिंपली मैंने बताया, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट लिंक करेंगे और अभी इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे रिडायरेक्ट होता है। आपको यहाँ पे सिंपली कॉपी करना है इसे एंड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंटर डालना है एंड अपडेट कर दीजिए इसको। ये एक्चुअली थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जा रही है, तो इसमें थर्ड ध्यान रखना है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के लिए आपको पोस्ट में ही लिंक डालने हैं, पेज पे लगाना है तो वो अपने इंटायर पेज पे पेजेस पे लगाइएगा लिंक, ना कि थर्ड पार्टी के लिंक्स जो आप अपने पेज पे मत लगाइएगा, पोस्ट में लगाइएगा हमेशा। तो देखिए अब यहाँ पे क्लिकेबल लिंक बन गया है, किसी को प्रोडक्ट परचेज करना हो वो सिंपली लिंक्स पे क्लिक करेगा या फिर टाइटल पे भी लोग क्लिक करते हैं, तो जितने लिंक्स आप देंगे उतनी बेनिफिट होगी। कभी कभी ये होता है कि आप बहुत से यूजर्स को मैंने देखा है वो बहुत कम लिंक्स लगाते हैं, तो उससे उनको उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं मिल पाती जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने में के लिए। मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे हेडलाइन में नहीं लगाया इसका लिंक, यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे क्लिक करना चाहे तो ये क्लिक ही नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा कि यहाँ पे कोई इसका ऑप्शन नहीं है, बस ये एक आर्टिकल लिखा गया है, कोई यहाँ पे परचेज करने का कुछ दिया गया नहीं है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे देखिए अभी लगा दिया इनके हेडलाइन पे, तो कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो इजीली परचेज कर सकता है। लोग कोशिश करते हैं कि हेडलाइन पे क्लिक करते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है कि लोगों की जो क्लिक्स होती है इमेज पे या फिर टेक्स्ट की जो मेन हेडलाइन होती है वहां पे ज्यादा क्लिक्स जाती है। तो इन सब चीजों पर अगर आप लगाएंगे तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आ रही है मेरी बात, प्लीज लेट मी नो। उसी तरह से देखिए यहाँ पे हर एक के वर्ड्स में, इनके डिस्क्रिप्शन में मैंने हर जगह लिंक लगाया हुआ है, बाय हियर, वीट ग्रास, ब्लैक सीड, कलौंजी, इस तरह से आपको लगाने हैं। गाइज इज दिस क्लियर? ओके मैम शी, तो बेसिकली गाइज यही है हमारा ऑन पेज एसईओ, जिसको हम लोग इस तरह से करते हैं। और एक प्रोसेस और भी है हमें ऑन पेज एसईओ का, जिसके लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना होगा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको, अगर आप लोगों ने लॉगिन कर रखा होगा अपने वर्डप्रेस साइट में, तो प्लीज आप प्लगइन्स के सेक्शन में आ जाइए एंड प्लगइन्स के सेक्शन में आने के बाद एड न्यू प्लगइन पे आपको आना है, ठीक है। एड न्यू प्लगइन में आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है योस्ट एसईओ एंड सिंपली आपको एक रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे प्लगइन का, योस्ट एसईओ का। और ये जो टॉप वाले आएंगे रिजल्ट योस्ट एसईओ, जिनकी एक्टिव जो डाउनलोड होगी 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉल्स हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और लास्ट अपडेट कब हुआ इसको भी देख लीजिएगा आप, 1 वीक अगो, दैट मीन्स कि 1 वीक पहले ही ये अपडेट किया गया है, क्योंकि प्लगइन्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं ताकि नए नए फीचर्स के साथ आप उस प्लगइन्स को यूज कर पाए। इसे सिंपली आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे एंड फाइनली इसे एक्टिवेट करना होगा इसे रन करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ये हमारी नई वेबसाइट है एक दूसरी, मतलब टेस्टिंग पर्पज का, शंकर विजुअल्स का मैंने डोमेन लिया हुआ था एक टेस्टिंग के लिए, और आप इसे एक्टिवेट कर दीजिए। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसे यूज करेंगे एंड योस्ट एसईओ बहुत पावरफुल प्लगइन है जिससे आपकी एसईओ की रैंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। अब देखिए इंस्टॉल करने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है प्लगइन, तो ध्यान देना होगा। इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के नेविगेशन टैब पे सबसे नीचे यहाँ पे योस्ट दिखेगा, वाई से बना हुआ होगा योस्ट एंड एसईओ लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलेगा एक, है ना। तो जब आप इस पे आएंगे इस डैशबोर्ड पे, तो आपको कुछ इस तरह का फीचर्स मिलेगा यहाँ पे। ये आपका योस्ट एसईओ है, ठीक है। योस्ट एसईओ में कुछ आपको जनरल सेटिंग्स करने हैं जो कि आपके ऑन पेज एसईओ के लिए होंगे, यहाँ पे सारे चीज इसको योस्ट एसईओ से आपको ऑप्टिमाइज कराना होगा सारे चीजों को। तो यहाँ पे जनरल है, फीचर्स है, योर इन्फो, वेब मास्टर टूल एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जनरल पे आएंगे और ओपन दी कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड को आपको कंप्लीट करना होगा। इससे पहले आप फीचर्स पे आ जाइए
एंड फीचर्स में आने के बाद आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस को करेक्ट करने होंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, योस्ट एसईओ कम्स विद अ लॉट ऑफ फीचर्स, यू कैन इनेबल और डिसेबल सम ऑफ देम बिलो। तो यहाँ पे कुछ पढ़ के आपको यहाँ पे इनेबल और डिसेबल भी करने हैं। तो रीडेबिलिटी एनालिसिस रिमूव्स द रीडेबिलिटी रीडेबिलिटी टैब फ्रॉम द मेटा बॉक्स एंड डिसेबल्स ऑल रीडेबिलिटी रिलेटेड सजेशंस। तो आपको यहाँ पे ये देखिए इनेबल किया हुआ है, इसे हम लोगों को डिसेबल करना है। एंड कीवर्ड एनालिसिस रिमूव्स द कीवर्ड टैब फ्रॉम द मेटा बॉक्स एंड ऑल, इसे भी आपको डिसेबल करना है। इन दोनों का डिसेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये इनेबल रहेगा तो ये सर्च में नहीं लाएगा। डिसेबल ऑल कीवर्ड रिलेटेड सजेशंस, इस तरह से बोल रहा है। एडमिन बार की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी अपनी वेबसाइट नई वेबसाइट जो मैंने बनाई थी आकाश डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम, इसमें मैंने एसईओ ऑप्टिमाइज कर रखा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आना है आपको, जनरल में आना है, और यहाँ पे जनरल सॉरी फीचर्स में आना है सबसे पहले। और यहाँ पे मैंने रीडेबिलिटी को इनेबल रखा है, इनेबल रखा है, एंड नीचे भी इनेबल है। फिर फाइनली ऑन पेज को मैंने यहाँ पे डॉट को डिसेबल कर दिया है, ठीक है। तो ये क्यों किया मैंने, यहाँ पे देखिए ऑन पेज डॉट ओ आर जी इंटीग्रेशन चेक्स डेली इफ योर साइट इज स्टिल इंडेक्सेबल बाय सर्च इंजन नोटिफाइज यू व्हेन दिस इज नॉट द केस। तो आप ये पढ़ना है कि ये क्या बोल रहा है। बेसिकली ये इंडेक्स करने के लिए बात बोल रहा है कि इस पेज को जो है ये ऑन पेज डॉट ओ आर जी इंटीग्रेशन करेगा आपकी वेबसाइट के पेजेस को डेली इफ योर साइट इज स्टिल इंडेक्सेबल बाय सर्च इंजन एंड नोटिफाइज यू When it is not the case। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये सर्च इंजन्स के लिए इतना मतलब मेरी वेबसाइट के एसईओ के लिए इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता ये फीचर जो है इसका। तो इसको मैंने डिसेबल किया हुआ है। और सेम एडमिन बार मेन्यू, ये एडिशनल मेन्यू दे देगा, मतलब एक ऊपर से या फिर कहीं कॉर्नर से एक एडिशनल मेन्यू आएगा आपके फीचर्स के लिए। तो मैंने इसे भी डिसेबल किया है क्योंकि मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो सेम आपको यहाँ पे इन चीजों को करेक्ट कर देना है, जो आपको ठीक लग रहा है यहाँ पे आप कर दीजिए डिसेबल। और बाकी करने के बाद सेव चेंजेस जरूर करने हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट करें। सेकेंड थिंग इज दैट योर इन्फो, आपकी वेबसाइट की जो नेम होगी यहाँ पे डालना है, ठीक है। वेबसाइट का नेम, अगर आपको एक कंपनी है तो आपको कंपनी का नेम डालना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल योर इन्फो में आना है, यहाँ पे देखिए शंकर विजुअल्स पुट किया हुआ है, सॉरी पुट करना है यहाँ पे। कोई अल्टरनेट नेम है तो आप दे सकते हैं वेबसाइट का अल्टरनेट, अदरवाइज लीव इट एम्प्टी। उसके बाद बोला ये कंपनी और पर्सन, तो आपको चूज करना है यू आर अ कंपनी और पर्सन। अगर कंपनी है तो कंपनी का नेम डालिए, कंपनी का नेम और कंपनी का लोगो आपको अपडेट करना है। अगर आप कोई इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब आपकी जो ब्लॉग साइट है, देन आप पर्सन को सेलेक्ट करेंगे एंड आप अपना नेम को यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैंने पर्सन को चूज किया हुआ है एंड आकाश शंकर अपना नेम डाला हुआ है। तो इन द सेम वे आपको भी इस तरह से फुलफिल करना है, ठीक है। देन फाइनली यहाँ पे फिर आपके पास वेब मास्टर टूल की ऑप्शन आती है। मैं आपको बताता हूँ वेब मास्टर टूल क्या होता है। इससे पहले आपको जनरल में आके कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड को कंप्लीट करना होगा, ओपन द कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, ठीक है। ये चीज को आपको करेक्ट करना है। इसके लिए आप आएंगे यहाँ पे, चूज करेंगे जनरल एंड ओपन द कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड इन न्यू टैब आप कर ले। एंड फाइनली यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का कंप्लीट डिटेल्स को पुट करने हैं। तो कुछ इस तरह से खुल के आएगा और यहाँ पे आपको 12 स्टेप्स दिखेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर योस्ट एसईओ पे क्लिक करना है। एंड फाइनली ये पूछ रहा है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए, दैट मीन्स कि मेंशन कीजिए जो आपकी वेबसाइट है वो प्रोडक्शन साइट है, स्टैगिंग साइट है या डेवलपमेंट साइट है। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि दिस इज अ लाइव साइट विथ रियल ट्रैफिक या फिर दिस इज अ कॉपी ऑफ अ साइट। तो आपको चूज करना है कि कौन सी आपकी साइट है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन साइट्स को चूज किया है एंड देन क्लिक नेक्स्ट किया है। एंड फाइनली उसके बाद पूछ रहा है कि साइट की टाइप क्या है। तो ये ब्लॉग है बेसिकली, मैंने ब्लॉग को सेलेक्ट किया। अगर आपकी कोई न्यूज साइट्स है, कोई ई कॉमर्स की साइट है, तो वेबशॉप आप लगाएंगे, कि स्मॉल बिजनेस साइट है, अदर कॉर्पोरेट या पर्सनल साइट है, देन इस तरह से आपको ऑप्शन को चूज करना है। इट डिपेंड्स अपॉन योर साइज गाइस, सो डोंट बी कंफ्यूज। फिर ये पूछता है कि कंपनी या पर्सन। तो ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पे बोल रहा है कि दिस डेटा इज सोन एज मेटा डेटा इन योर साइट एंड इट इज इंटेंडेड टू अपियर इन गूगल्स नॉलेज ग्राफ। यू कैन बी आइदर अ कंपनी और अ पर्सन, चूज आइदर। तो यहाँ पे हम लोग पर्सन है, तो बेसिकली पर्सन है, और पर्सन का नेम जो होगा आपको डालना होगा यहाँ पे। और मेरा ये जो है कंपनी के नेम से बेसिकली है, मैं यहाँ पे शंकर विजुअल्स डाल देता हूँ।
एंड फाइनली नेक्स्ट करना है आपको। एंड उसके बाद आपको सोशल प्रोफाइल्स का लिंक डालना है, जो भी आपका फेसबुक का पेज यूआरएल, ट्विटर का नेम, इंस्टाग्राम का यूआरएल, लिंक्डइन यूआरएल, बाकी जितने अदर सोशल चैनल्स है आपको यहाँ पे उनके लिंक्स को आपको पुट करने हैं। एंड फाइनली लिंक्स को पुट करने के बाद आप इससे नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये एसईओ के लिए आपके लिए अच्छा होगा अगर आप सोशल प्रोफाइल्स के लिंक्स को डालेंगे तो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बिल्कुल डालिए यहाँ पे जितने भी सोशल प्रोफाइल्स पे बोल रहा है, बिकॉज जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी अकाउंट होगी, आपकी जो भी कंपनी या फिर इंडिविजुअल नेम से होगी, इसकी एसईओ उतनी अधिक होगी। डैट मीन्स कि अगर आप सिर्फ फेसबुक पे हैं तो लोग आपको सिर्फ फेसबुक तक ही जान रहे हैं, लेकिन जो लोग ट्विटर यूज कर रहे हैं अगर वहां पे आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो वो लोग आपको नहीं जानेंगे। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल, मतलब डिसएडवांटेज, अगर आप प्रेजेंस नहीं दे रहे तो वहां पे आप लैप्स करेंगे, अपने कस्टमर्स और यूजर को लूज करेंगे। तो इस तरह से जहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, माई स्पेस है, पिन इंटरेस्ट है, यूट्यूब है एंड गूगल प्लस है, तो इन सभी 8 और 10 जितने भी यहाँ पे दिए गए, इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक अकाउंट तैयार करना होगा अपने ब्रांड नेम से या फिर जो भी आपकी वेबसाइट की नेम होगी उस नेम से, ताकि इन सभी जगह आपका प्रेजेंस जो है वो स्टैंड करे वहां पे। इसके बाद ये पूछ रहा है पोस्ट की जो विजिबिलिटी क्या होगी, ये आपको बाय डिफॉल्ट इसे ऐसे रहने देना है। ये जो पोस्ट होगा, जब भी आप पोस्ट को पोस्ट करेंगे तो वो विजिबल होगी, पोस्ट की पेजेस जो होगी वो भी विजिबल होगी, और पोस्ट की जो मीडिया होगी वो हिडन होगी। बेसिकली ये जो मीडिया होता है आपका इमेज होता है, वीडियो, इन्फोग्राफ्स, ऑडियो क्लिप्स एंड ऑल, जिसे आपको बाय डिफॉल्ट रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है एंड नेक्स्ट करना है आपको। फाइनली ये पूछ रहा है कि मल्टी ऑथर से आपकी वेबसाइट, मतलब आपके अलावा भी कोई और यूज करेगा, मतलब पोस्ट को राइट कर सकता है, आपको नो रखना है सिंपली बाय डिफॉल्ट एंड नेक्स्ट पे आना है। एंड अब फाइनली ये बोल रहा है गेट गूगल ऑथोराइजेशन कोड, आपको यहाँ पे ऑथोराइजेशन करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको अपने गूगल के अकाउंट में लॉग इन करना पड़ेगा, आपका जो भी जीमेल एड्रेस होगा उसको लॉग इन कीजिएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो शंकर विजुअल्स का जीमेल आईडी था मैंने उसे डिलीट कर दिया है गूगल से, तो इसको इसलिए मैं इसके स्टेप्स को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा ये वाले प्रोसेस को। इसमें आपको करना क्या है, सिंपली जब आप इस तरह से करेंगे ना, जब आप अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे तो फाइनली आपको एक कोड मिलेगा और यहाँ पे लॉग इन करने के बाद, और उस कोड को यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, XYZ कुछ भी एक 12 डिजिट का या फिर आई थिंक 20 से 25 डिजिट का एक लॉन्ग कोड होगा, यहाँ पे पेस्ट करके ऑथेंटिकेट सिर्फ कर देना है, ठीक है। एंड फाइनली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वेबसाइट का नेम डालना है और एक टाइटल सेपरेटर, ये जो बाय डिफॉल्ट है सबसे छोटा वाला, ये टाइटल को यूज करना है। अगर आप चाहे तो इन सब चीजों को भी सेपरेटर को यूज कर सकते हैं, ये सारे सेपरेटर्स जो है, लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है ये वाला और ये वाला होता है, लेकिन बहुत बढ़िया की बात करें तो ये छोटा वाला होता है। छोटा वाला लेने से ये फायदा होता है कि आपकी जो सेपरेशन होगी छोटा से, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी और छोटे में स्पेस में काफी चीजें आप एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इस पे क्लिक किए हैं, मतलब कर्सर को ले गया हूं मैं, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल हाइफन योस्ट एसईओ, ठीक है। तो ये जो बीच में हाइफन देख रहे हैं ना छोटा सा, यही हो गया। इसके बाद अगर आप इसे लॉन्ग रखेंगे ना तो फिर यहाँ पे जो हाइफन देख रहे हैं ये बढ़ जाएगा, अगर डॉट लगा देंगे तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा हाइफन की जगह, लेकिन सबसे बेस्ट जो एसईओ फ्रेंडली होता है वो आपका यही होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसे आप चूज करें, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा शंकर विजुअल्स, और यहाँ पे देखिए एक हाइफन लगा हुआ है, तो बेसिकली यही हाइफन इसको बोलते हैं, तो आपको छोटा वाला हाइफन यूज करना है। यहाँ पे जो हाइफन लगा हुआ है ये अभी ये वाला हाइफन है, बड़ा वाला, मीडियम साइज वाला है, और ये सबसे बड़ा साइज का है, तो सबसे छोटा वाला साइज को यूज करना है, नेक्स्ट करना है। फाइनली उसके बाद आपका जो नेम है वो डालना है, अगर न्यूज़लेटर साइन अप करना चाहते हैं तो, अदरवाइज लीव इट एम्प्टी, नहीं तो ये लोग मेल भेजते रहेंगे। एंड फाइनली क्लिक नेक्स्ट करना है आपको, एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट अगेन आना है। ये ट्रेनिंग का है, अगर आपको कुछ और इसको इम्प्रूव सीखना है कैसे एसईओ को यूज करते हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप 12th में सक्सेस, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट, एंड क्लोज कर दीजिए इसे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे डैशबोर्ड जो है कंप्लीट इनेबल हो चुका है, मतलब ये ओपन द कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड जो है, ये हमारा विजार्ड जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ फाइनली अब आप अपने इस तरह से दिख रहा है चीज यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे अपना इन्फो डालना चाहे अपनी वेबसाइट का डाल सकते हैं, ये जो पहले ही हमारे बताया था। अब वहाँ पे वेब मास्टर टूल्स यहाँ पे आते हैं, तो गूगल सर्च के लिए आपको गूगल सर्च कंसोल की, वेब मास्टर टूल की यहाँ पे आईडी डालनी पड़ेगी, तो ये एसईओ से बहुत ही इजिली हम लोग डाल सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है,
ये आपके वेब मास्टर में लॉग इन करेगा सर्च कंसोल में। आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डालना है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे डालने के लिए, मैंने तो इस अकाउंट को ही डिलीट कर दिया गाइस, तो दैट इज द प्रॉब्लम, बट डोंट वरी, मैं ट्राई करता हूँ दूसरे अकाउंट से। मैं जस्ट आपको सिखाने के पर्पज से गाइस यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको यूज कोशिश करना है कि जिस भी नेम से आपने ब्लॉग बनाया हुआ है उसी की जीमेल आईडी से आप यहाँ पे सर्च कंसोल कराइए, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनली देखिए बहुत सारे यहाँ पे मेथड है। आप एक तो एचटीएमएल फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करके डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल में जाके इसे अपलोड कर सकते हैं। और जो सिंपल और अप्रोप्रिएट मेथड है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये बेसिकली रिकमेंडेड मेथड है, ये इसको हम लोग यूज करना है, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपली आपको इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड फाइनली सेव चेंजेस आपको करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए सेव चेंजेस जैसे ही मैंने किया यहाँ पे, समथिंग रॉन्ग गाइस, कुछ कर पर हुआ, 1 मिनट। तो मैं अपने वेबसाइट पे आ रहा हूँ गाइस, मेरी एक्चुअली ये वाली जो वेबसाइट है ना, इसकी जीमेल आईडी मैंने डिलीट कर दिया, इस वजह से यहाँ पे इशू है। बट डोंट वरी, मैं आपको अपनी वेबसाइट का दिखा रहा हूँ। जस्ट सिंपली गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लीजिए आप, है ना। ओपन करने के बाद आप इसे जस्ट कॉन्फ़िगर कीजिए यहाँ पे, ये गूगल एनालिटिक्स, गूगल नेम, सर्वर टैग, एचटीएमएल हिस्ट्री। यस गाइस, तो देखिए HTML टैग पे आपको आना है एंड यहाँ पे क्या करना है, ये जो बीच का आपको दिख रहा है ना, ये सॉरी, ये जो कोड दिख रही है आपको, इस कोड को सिंपली कॉपी करना है आपको यहाँ पे। एंड फाइनली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इस कोड को, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज ये लाइव वेबसाइट है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है, कोड को पेस्ट करना है एंड सेव करना है। ये जब आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अप्रूव हो जाएगा, डैट मीन्स कि कन्फर्म हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगी आपकी वेबसाइट गूगल वेब मास्टर टूल से। और वेब मास्टर टूल से इसलिए कराना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी सर्चेस को इम्प्रूव करेगा और गूगल फ्रेंडली बना देगा आपकी वेबसाइट को, ठीक है। तो गूगल फ्रेंडली बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्च फ्रेंडली बनाना। इज इट क्लियर गाइस, प्लीज लेट मी नो। ये बहुत इजी है वेरीफाई मेटा वैल्यूज को करना, प्लीज लेट मी नो गाइस, समझ में आया ये चीज। और यहाँ का हर एक स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वैमसी लेट मी नो। वैमशी आर यू देयर, प्लीज लेट मी नो। ओके फाइन, इसको करने के बाद आप फिर सिक्योरिटी के पार्ट में आएंगे एंड एडवांस पार्ट ऑफ द योस्ट एसईओ इज मेटा बॉक्स, आप इसे डिसेबल रख के सेव करेंगे, ठीक है। नो मोर फर्दर चेंजेस इन दैट सेक्शन, सिक्योरिटी हमेशा डिसेबल यहाँ पे भी रखना है अभी आपको फिलहाल के लिए। एंड अगेन ये देखिए HTML डज नॉट सी, ये मैंने गलत कोड को कॉपी किया था, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट, आपको सिंपली जो कोड यहाँ पे आएंगे आपके, ये वाले कोड होंगे। और कोड देखिए मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है।
सिंपली इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एच टी एम एल टैग पे आएंगे एंड फाइनली ये जो आपका कोड आएगा ना, इस कोड में आपको लास्ट में कॉन्टेंट मिलेगा एंड कॉन्टेंट के आपको यहाँ वाले पार्ट को कॉपी पेस्ट कर देना है, इस कोड को यहाँ से यहाँ तक के कोड को, ठीक है। सिंपली इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करके सेव चेंजेस करना है। ये ऑटोमेटिकली करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा, ठीक है। वेरीफाई जब आप करेंगे तो ये बोल देगा कि योर साइट हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है, ताकि ये पता चले गूगल को कि ये वेबसाइट आपकी है। गाइज इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो इफ यस और नो। Now guys coming toward title and metas. अब बात करते हैं title और metas क्या होते हैं, तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे तो आ नहीं रहा इस वेबसाइट पे, हम लोग इसको आते हैं कंटिन्यू। हाँ तो देखिए गाइज, इसमें आपको टाइटल एंड मेटाज आएगा योस्ट एसईओ के डैशबोर्ड के ठीक नीचे। इस टाइटल का सेपरेटर मैंने बताया था अभी अभी कि क्या यूज होता है, तो देखिए ये टाइटल जो आपको यहाँ पे भी मैटर करता है, यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आप हाइफन देख रहे हैं ना इनके टाइटल में, जो हाइफन का साइन है यहाँ पे, जो हाइफन है ये बेसिकली इसी को रेफर कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपके यहाँ पे जो टाइटल के टैग होंगे, मतलब आपने जो टाइटल का यूज कर, ये सेपरेटर जो है ये बेसिकली ये सेपरेटर का काम करता है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो एसईओ फ्रेंडली होता है सबसे शॉर्ट वाला यूज किया जाता है, ये वाला। चाहे तो आप ये सब भी यूज कर सकते हैं बट जो सबसे बेस्ट होता है एसईओ फ्रेंडली ये वाले होते हैं, इसे यूज करना है। उसके बाद होम पेज पे आएंगे और होम पेज पे आने के बाद बेसिकली आपको टाइटल का टेम्पलेट डालना है कि आपकी जो ये ब्लॉग है किस चीज से रिलेटेड है, आपका ये ब्लॉग का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या आई मीन कि शॉर्ट में डालना है थोड़ा सा। जैसे कि देखिए अगर कोई यहाँ पे akashdigitalmarketer.com सर्च करता है और इस पर कोई टाइटल पे क्लिक करता है तो ये देखिए बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग बाय आकाश शंकर। तो यहाँ पे भी आपको अपनी ब्लॉग की हेडिंग डालनी है कि आपकी ब्लॉग की क्या हेडिंग है, क्या टाइटल है, उसका टेम्पलेट डालना है जस्ट, ठीक है। या कोई स्लोगन है आपका, या फिर आई मीन कि जो ब्लॉग की आपकी आउटपुट के मतलब कि वो ब्लॉग आपने किस पर्पज से बनाया है, क्या चीज का ब्लॉग है, उसकी आपको यहाँ पर टेम्पलेट डालनी है। एंड फाइनली मेटा डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट, वो डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट होता है जहां पे गूगल पे कोई सर्च करेगा तो उसमें आपका जो वेबसाइट का डिटेल बताया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का डिटेल दिया हुआ जस्ट बेसिकली। तो यहाँ पे गूगल पे अगर कोई सर्च करता है akashdigitalmarketer.com तो आप देखिएगा यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में ये बोलता है यहाँ पे आकाश इज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ब्लॉगर फ्रॉम पटना इंडिया, कॉन्टैक्ट हिम और लर्न मोर फ्रॉम दिस ब्लॉग। तो ये बेसिकली मेरी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर मैंने मेटा टैग लगा रखी है। मेटा टैग मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, ब्लॉगर डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट ये जो एक कीवर्ड है, यहाँ पे कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग तो मेरी वेबसाइट दिखेगी यहाँ पे, विजिबल होगी थोड़ी सी, ठीक है। बिकॉज एक तो यहाँ पे मेरा मार्केटर आ रहा है ये थोड़ा सा इफेक्ट करता है, लेकिन ये बेसिकली मेटा टैग आपको यहाँ पे कीवर्ड्स के यूज करने हैं, कीवर्ड्स को यूज करने हैं, ठीक है। तो उस तरह से इसी तरह से आपको यहाँ पे एक सर्टेन कैरेक्टर में, मतलब एक लिमिटेड कैरेक्टर में यहाँ पे पुट करने हैं आपकी वेबसाइट की डिटेल क्या है, एक बेसिक डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे, ठीक है। और करने के बाद आप सेव चेंजेस करिएगा एंड अगेन दूसरा पार्ट जो आता है वो आपका पोस्ट टाइप का आता है, ठीक है। और बेसिकली जो पोस्ट की टाइप होगी ना, तो गाइस ध्यान दीजिएगा पोस्ट टाइप पे आपको ये यही चीज सिर्फ रखना है और इसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे कि देखिए बाय डिफॉल्ट जो होता है ना ये इस तरह से होता है, तो इस तरह से होने से क्या डिसएडवांटेज होता है कि आपकी जो टाइटल होगी, जो पोस्ट की हेडिंग होगी ना, उसके साथ साथ उस पोस्ट के पेज का नेम भी आ जाएगा, सेपरेटर आएगा, फिर साइट का नेम आएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो ये गंदा लगता है। तो आपको यहाँ पे ये हटा देना है, सिंपली आपको टाइटल रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको ओपन किया, आई मीन इस पेज को, इस पोस्ट को मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे देखिए अभी यूआरएल जो आ रहा है टॉप 10 नेचुरल रेमेडीज फॉर एवरीथिंग, सिर्फ ये नीट एंड क्लियर इस तरह से दिख रहा है ना, तो सेम आपको इस तरह से क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर आप ये यूज करेंगे ये बाय डिफॉल्ट वाला, तो उसमें आपको यहाँ पे पेज का नेम इंक्लूड होगा, डेट मीन्स कि ये कौन से पेज के अंदर आ रहा है, जैसे होम के अंदर आ रहा है, या फिर उसके बाद सेपरेटर आ जाएगा एंड देन फिर आपकी यहाँ पे वेबसाइट का नेम आएगा इस तरह से करके। इस तरह से करके आएगा, ये थोड़ा सा डर्टी और गंदा लगेगा, तो इस तरह से हमें नहीं करना है, इसको क्लीन रखना है। यूआरएल जो स्ट्रक्चर होगा आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, तो इससे हम लोग डिलीट कर देते हैं यहां से।
और ये सारी चीजों को मेटा रोबोट डेट स्निपेट, बेसिकली ये डेट स्निपेट जो आपको ये बाय डिफॉल्ट हाइड रहेगा, इसे इनेबल रखना है ये डेट स्निपेट। इससे बेनिफिट ये होगा कि देखिए मैंने यहाँ पे जब टाइप किया akashdigitalmarketer.com, तो यहाँ पे देखिए एक हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फूड्स, ये एक पोस्ट था मेरा, और यहाँ पर डेट दिख रहा है कि ये पोस्ट को बेसिकली मैंने किस दिन पोस्ट किया है, पब्लिश हुई है आर्टिकल, दैट इज 15 मई 2017। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है, अगर आपकी न्यूज की वेबसाइट है कोई तो वहां पे आप इसे इनेबल रख सकते हैं, या फिर अगर रेगुलर पोस्ट आप डालते हैं, नए नए कॉन्टेंट पब्लिश करते हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, देन आप इसे इनेबल रख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप इसे रखना चाहें या ना रखना चाहें, लेकिन न्यूज वेबसाइट्स के लिए इनेबल रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज कब के है ये पता चले लोगों को, यूजर को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा डेट, इससे इस तरह से आपको यहाँ पे डेट दिखेगा। इज इट ओके गाइस, प्लीज लेट मी नो विथ यस और नो, एंड बाकी इन चीजों को आप इनेबल रखिएगा। एंड फाइनली पेजेस के भी टाइटल जो होंगे वो सिंपल टाइटल होंगे, अगर आप डेट देना चाहे अपने पेजेस के अंदर के तो डेट के भी पेजेस को इनेबल रख सकते हैं, अदरवाइज हाइड रखिए, क्योंकि ये पोस्ट का सेक्शन था, पोस्ट जो यहाँ पे पोस्ट दिया गया उनके डेट दिख रहे हैं। अगर आप किसी पेज के डिटेल को यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा पेज का डिटेल है, जो कॉन्टैक्ट है इसका पेज है, यहाँ पे मैंने डिसेबल रखा है, तो यहाँ पे जब मैं इसे इनेबल कर दूंगा, शो करूंगा ना, तो फिर यहाँ पे भी दिखने लगेगा। तो बेसिकली पेजेस पे इसे आप हाइड ही रखिए, ज्यादा सही है। एंड फाइनली मीडिया को ऐसे रखना है, एंड देन आपको सेव कर देना है। ओके, एंड टैक्सोनॉमीज बेसिकली आपके ग्रुप होते हैं, मतलब किसी भी आर्चीव्स, ये टैक्सोनॉमीज के अंदर आपको जो भी ग्रुप्स और जो कैटेगरीज और टैग्स होते हैं ना, वो सारे इंक्लूड होंगे अगर आप इसे इंडेक्स करेंगे। तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स सेट होता है, आपको इसे नो इंडेक्स पे रखना है, अदरवाइज क्या होगा कि गूगल में जो सर्चिंग होगी ना, आपके कैटेगरीज को सर्च करेगा, टैग्स को सर्च करेगा, जो कि ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो ये जो चीज एसईओ फ्रेंडली नहीं है, दैट मीन्स कि हमें एसईओ के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब सर्च फ्रेंडली नहीं है, देन हमें उसे रखना ही नहीं है, इसे नो इंडेक्स आप लगा दीजिए। सिंपल, नो इंडेक्स मीन्स कि इस पार्ट को, वो कैटेगरीज के पार्ट को गूगल सर्च क्रॉल नहीं करेगा, दैट इज ओके। सेम टैक्स के साथ भी करना है नो इंडेक्स, एंड फाइनली इसको ऐसे ही सेम रखना है, एंड फाइनली सेव करना है आपको। एंड लास्ट थिंग इज अबाउट आर्कीव्स, आर्कीव्स में भी आपको सिंपली ये डिसेबल रहेगा, एंड फाइनली ये इनेबल एंड नो इंडेक्स, सेम सिंपल जैसे ये बाय डिफॉल्ट है वैसे ही रहेगा, एंड आपको सेव चेंजेस रखने हैं और इसमें कुछ चेंजेस आपको करने नहीं है। एंड अदर में आपको ये बोल रहा है साइट वाइड मेटा व्यूज सब पेजेस ऑफ आर्कीव्स एंड यूज मेटा टैग फॉर कीवर्ड, तो बेसिकली ये डिसेबल रहेगा, इसे इनेबल करनी नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है, एंड सेव चेंजेस। तो बेसिकली ये आपका इतना था एसईओ का। एंड अब बात आती है सोशल की, तो सोशल जो है यहाँ पे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के आपको लिंक्स को यहाँ पे सारे को डालने हैं, फिर से योर सोशल प्रोफाइल लिंक्स, या फिर जो आपने फर्स्ट टाइम डाला होगा, डाला था, जो अभी हम लोगों ने सीखा, सिंपली यहाँ पे पुट करना है वन बाय वन करके। फेसबुक, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट और गूगल प्लस के आपको यहाँ पे जाएंगे। फेसबुक पे आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इमेज या टाइटल डालना चाहे, जैसे एक पर्टिकुलर टाइटल दिखे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वैसे इससे कोई जरूरी नहीं है, इसे आप इम्प्टी रहने दें, और फाइनली सेव चेंजेस करना है। किसी को एडमिन बनाना चाहते हैं तो आप एडमिन बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्विटर का भी सेम कंडीशन है, और ट्विटर में एक चीज ध्यान रखिएगा, समरी विथ लार्ज इमेज को सेलेक्ट कीजिएगा, और एक बाय डिफॉल्ट ये समरी सेलेक्ट होता है, तो इसे चेंज करके आप समरी विथ लार्ज इमेज कीजिएगा। जब कभी भी कोई पोस्ट शेयर होगा ना ट्विटर पे, तो बड़ा सा इमेज के साथ वो पोस्ट शेयर होगा, दैट मीन्स कि जो आपकी वेबसाइट का इमेज होगा, इससे क्या होगा कि यूजर का अटेंशन अपनी ओर खींचा जाए खींचेगा उस वो पोस्ट, जैसे कि बड़ा इमेज को यूज करते हैं ना लार्ज साइज का, तो यूजर का अटेंशन अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो सेम पिन इंटरेस्ट और गूगल प्लस में ऐसा ही रखना है, कुछ चेंजेस नहीं होंगे इसमें। एंड फाइनली आपको यहाँ पे अगर पिन इंटरेस्ट अकाउंट को कंफर्म करना है, तो यहाँ पे कंफर्म यू साइट करके वेरीफाई करवा के यहाँ पे आप सेव चेंजेस करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया हुआ, इसीलिए मैंने एम्प्टी रखा हुआ, और गूगल का कोई आपका आईडी है, मतलब पेज है, जो भी पब्लिशर पेज, जो भी आपने अकाउंट बनाया है उसका पेज का लिंक को यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, सेव करना है। ठीक है, फिर फाइनली एक्सएमएल साइट मैप की बात आती है, जो अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे अपने नोट्स में, एक्सएमएल साइट मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। दैट इज एक्सएमएल साइट मैप,
तो ये साइट मैप हमें सबमिट करना होगा। ये सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप इसे इनेबल करेंगे एंड फाइनली इसे यहाँ पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप ओपन करेंगे, ये आपको गूगल के इस तरह से यहाँ पे ओपन करेगा। अभी हमारा सबमिट है इतना, और लास्ट कब मॉडिफाई हुआ है वो सारा डेट यहाँ पे दिखेगा, 21/7/2017, आज के डेट में ये सारा अपडेट हुआ है। चेंजेस कौन कौन सा चीज को अपडेट किया गया है, कैटेगरी, पेज और पोस्ट के पेजेस को हम लोगों ने, पोस्ट के चीजों को हम लोगों ने अपडेट किया है, तो यहाँ पे सारा चीज दिख रहा है। ठीक है, और फाइनली इस तरह से आप क्लिक करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपको, अगर आपने सबमिट नहीं किया होगा तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये सबमिट का ऑप्शन देगा आपको, और यहाँ पे साइट मैप का जो ये इंडेक्स होता है इसे आपको कॉपी करके आपके साइट मैप पे यहाँ पे लिखना होगा। साइट मैप सबमिट करने के लिए सिंपली आप गूगल सर्च कंसोल टाइप करेंगे इस तरह से एंड यहाँ पे आएंगे एंड आपको यहाँ पे एक अकाउंट से बना के लॉग इन कर लीजिएगा यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट से। एंड इस तरह से आपको दिखेगा आपका स्क्रीन, यहाँ पे ऐड अ प्रॉपर्टी करना है एंड आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे जस्ट नाम डालिएगा ऑलरेडी। ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट में आप साइट मैप सबमिट करना चाह रहे हैं, जैसा कि देखिए मेरा ऑलरेडी सबमिटेड है यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, इसे आप ओपन कर लेंगे सबमिट होने के बाद। एंड यहाँ पे नीचे में आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा साइट मैप्स। ठीक है, क्रॉल के अंदर साइट मैप दिखेगा आपको, यहाँ क्रॉल बनाना है एंड साइट मैप दिख रहा है, साइट मैप पे क्लिक करेंगे एंड फाइनली यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड और टेस्ट साइट मैप है, यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है। ये जो हम लोगों ने कॉपी किया ये चीज, इसको यहाँ पे पेस्ट करके दैट सबमिट कर देना। ये ऑलरेडी सबमिटेड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ सबमिट। एंड इस सबमिट करने के बाद आप इसे रिफ्रेश कर दीजिए इस पेज को, और ये थोड़ा समय लेता है, 4 to 5 आवर्स। ये ऑटोमेटिकली ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये जो अभी आप देख रहे हैं इरर का, ये थोड़ी देर के बाद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 आवर्स लगते हैं मिनिमम इसको अपडेट होने में। उसके बाद कभी भी आपकी वेबसाइट पे कोई भी आप नए चेंजेस करेंगे, कोई एडिट करेंगे, एडिटिंग करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा गूगल पे, गूगल के सर्च रिजल्ट्स पे। ठीक है, और पोस्ट की जो साइट मैप होगी वो इन साइट मैप इनेबल और इन साइट मैप होगी, मीडिया की नॉट इन साइट मैप। एक्सक्लूडेड पोस्ट में आपको कुछ नहीं डालना है और टैक्सोनॉमीज को भी आपको कुछ नहीं रखना है, टाइम बस कैटेगरीज जो होंगे वो इन साइट मैप होंगे। फाइनली सेव चेंजेस आपको रखना है यहाँ पे, और बेसिकली कुछ चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज द फीचर ऑफ एसईओ योस्ट प्लगइन। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम एंट्रीज होगी साइट मैप की, वो मैक्सिमम 1000 है, मैक्सिमम एंट्रीज पर साइट मैप। ठीक है, दैट मीन्स की प्लीज एंटर योर मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज पर साइट मैप पेजेस डिफॉल्ट टू 1000। यू माइट वांट टू लोअर दिस प्रिवेंट टू मेमोरी इशूज ऑन सम सॉल्व, दैट मीन्स की मैक्सिमम जो पेजेस की आप सबमिशन करेंगे गूगल पे वो 1000 होगी। एंड दूसरा चीज है यहाँ पे एडवांस। अब देखिए गाइज, एडवांस में ये एक ब्रेड क्रम्स आता है। ठीक है, ये ब्रेड क्रम्स बाई डिफॉल्ट डिजेबल होता है, इसे आप इनेबल रखेंगे इस तरह से, ये डिजेबल होगा, आपको इसे इनेबल करना है। एंड इस तरह के सेपरेटर्स के आपको यूज करने हैं, आप चाहे तो इस तरह के भी सेपरेटर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इस तरह का सेपरेटर होता है ये वाला जो आप एरो देख रहे हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, शाउट मी लाउड, अगर आप इस तरह से करके गूगल पे सर्च करते हैं कुछ भी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरह का सेपरेटर, ये जो आप देख रहे हैं ना ये सेपरेटर, तो ये इफेक्टिव है एसईओ के लिए। आप एक देखिए कि यहाँ पे इस तरह से हाइफन दिया हुआ है, सॉरी स्लैश दिया हुआ है, तो ये उतना, ये स्लैश वाला जो चीज है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना एसईओ पर्पज के लिए ये इतना सही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह का सेपरेटर को यूज करते हैं, इसको हम लोग ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। देखिए ये कौन से पेज के अंदर है, कौन से टैग्स के अंदर, सॉरी कौन से कैटेगरीज के अंदर आ रहा है, ये कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। फाइनली ये रिसोर्स के अंदर इस तरह से ड्रॉप डाउन दिखा रहा है। ठीक है, ताकि ये रिसोर्स पार्ट के अंदर ये आ रहा है, मतलब कंप्यूटर के सेक्शन के अंदर, देन कंप्यूटर पेज के अंदर, देन इसके अंदर सब पेज, इंटरनेट, इस इंटरनेट के सब पेज के अंदर, ऑन पेज, ऑन दी वेब, ऑन दी वेब पेज के सब पेज के अंदर, वेब ब्लॉग्स एंड ऑल, इस तरह के बाद रिसोर्स एंड रिसोर्स के पास ही आपको लिंक्स दिख रहे हैं। तो ये काफी अच्छा है, एसईओ फ्रेंडली है, आप इसे लगाइए। एंड फाइनली इसे रेगुलर पे आपको रखना है, आप बोल्ड भी कर सकते हैं, रेगुलर ज्यादा सही है, बोल्ड दी लास्ट पेज, ये बोल्ड है लेकिन रेगुलर रखना है। एंड फाइनली अपडेट कर देंगे सेव चेंजेस, और पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने आपको कैटेगरीज, ये नन होगा बाय डिफॉल्ट, आपको कैटेगरीज के लिए करना, ताकि जो भी कैटेगरीज हो आपकी पेजेस की वो ऑटोमेटिकली इस तरह से यहाँ पे जनरेट कर दे ब्रेड क्रम्स को। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव चेंजेस आप करेंगे। एंड पामालिंक में आपको बेसिकली कुछ चेंजेस नहीं करने, ये कीप कीप रहेगा, रिडायरेक्ट रहेगा, रिडायरेक्ट द अटैचमेंट यूआरएल टू पैरेंट पोस्ट यूआरएल। एंड बाकी जो क्लीन अप पामालिंक से, ये रिमूव रिमूव नो रिडायरेक्ट, ये सेम ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। एंड फाइनली सेव आपको करना है।
एंड गाइस कुछ चेंजेस नहीं करने यहाँ पे अगेन, एंड टूल्स के सेक्शन पे हम लोग आएंगे। एंड फाइनली इज इट ओके गाइज, यहाँ तक हमारा क्लियर है और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब सीखेंगे, ठीक है। और SEO का जो हमारा योस्ट प्लगइन है, हमें बस इतने चीज़ों को अभी करना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सर्च कंसोल पे आके ये जो सारे चीज़ों को एडिट कैसे करना है, पोस्ट को SEO कैसे करना है, अब तक तो हम लोग अपनी वेबसाइट के सारे चीज़ों को ऑन पेज SEO करना समझे कि कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, अपनी वेबसाइट के चीज़ों को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे ऑन पेज, ठीक है। मतलब वेबसाइट के हम लोग छोटे मोटे करेक्शंस फिक्सिंग्स को कैसे करना है ताकि वो SEO फ्रेंडली हो जाए, इन चीज़ों को सीखे। अब हम लोग जो हमारे पोस्ट होंगे हमारी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंटेंट को पोस्ट करेंगे इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि ये कंटेंट है इसको ऑप्टिमाइज करना होगा, फिर अगेन दूसरा ये जो पोस्ट है इसको ऑप्टिमाइज करना होगा, साथ जितने भी आप पोस्ट करेंगे उन सभी को ऑप्टिमाइज करने होंगे, आपको इन पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने होंगे, अच्छे कीवर्ड्स लगाने होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद सर्चिंग आएगी आपकी धीरे धीरे, ये सब सारे ऑन पेज का प्रोसेस है गाइज, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और आपको केयरफुली स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये सारा योस्ट की SEO प्लगइन के अंदर है और एक प्रीमियम फीचर भी है योस्ट का जिसमें और आपको एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन इतने जरूरी नहीं है, आप चाहे तो ही इसे आप प्रीमियम फीचर में अपग्रेड कराएं, नहीं तो अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी टू अपग्रेड इन प्रीमियम फीचर, ओके। बस आप इतने चीजों को बस करेक्टली यहाँ पे करें योस्ट प्लगइन के साथ, देन यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट, ओके। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोस्ट की SEO के बारे में सीखेंगे जो कि हमें यहाँ पे सर्च कंसोल के थ्रू यहाँ पे बल्क में कैसे एडिटिंग करते हैं यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बी के क्लास में आज के क्लास में यहाँ तक हम लोग SEO को स्टॉप करते हैं। तो आई होप कि ये ऑन पेज का SEO यहाँ तक सारा क्लियर होगा, यूज प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ों को हम लोग करेक्ट करते हैं फिक्स करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर होगा। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है गाइज तो प्लीज लेट मी नो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोस्ट के SEO के बारे में सीखेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज लिंक बिल्डिंग प्रोसेस। तो प्लीज लेट मी नो गाइज, यहां तक क्लियर है सभी को? ऑलराइट गाइज, तो मैं आज के क्लास को यहां पे एंड कर रहा हूं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास, बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।